रिकॉर्डिंग इन्फ्रोग्रेस पत में वंदना को रि करा, नीला चल वे यम महाप्रभु रागा। प्रभुरग पोडिया वंदों स वार ते पोडिया बन्दोन् सरकर नवदीपवासि यत् महाप्रभुरभक्त नवदीपती जत महाप्रभुरा भक्तबन्धो हयानो रक्तवन्धो हयानो महाप्रभुरा यत यत् गौडदेशे स्थिति करे या प्रणति ये देशे ये देशे वैसे गौराङ्गरागोर्ध्व करी वन्दो सवार हाया चेना हाईन य हाया।, हाया चेना हाय बैन प्रभुदारवार वंदों दंते करी चरण वंदो ब्रह्माण्डता शक्ति धरे जने जने देवद पुराणे गुणगाय वा शृने महाप्रभुरगणसपतितपाव ोभे मुई पपी लयु वंदन करें मुई शक्ति धरी तम बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी कटा पी मो भाग्य माने रहो लास के भाग्य माने रहो लास कर निजदावी मोय सिद्धि हाय यमा बंधा छूटे भगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे मने रसना पुर्णा चिराते हया देवकिनन दस ये लोभे कय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कदिव पावन नाम संकर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्णा सबको स्वागत हम्म सर्वप्रथम हमने ये गीत गाया भी क्योंकि इस चरणों में, में दंडवत करके हम लोग उनकी कृपा याचना करते हैं आज एक हम नए शीर्षक चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और इसको स्केल ऑफ हिमिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में अगर हमारे नम्रता का कुछ माप लगाना हो मैं नम्र हूं कि नहीं हम सब जब लीडर बनते हैं मैनेजर बनते हैं हम सोचते हैं कि मैं मेरे अंडर में जो भी हमको अच्छा रखता हूं हमारे साथ काम करने वालों के साथ अच्छा कलीग्स के साथ हम अच्छे काम करते हैं सब लोग अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं लेकिन जो हमारे साथ काम करते हैं उनको पूछना चाहिए कि ये भक्त की स्वभाव क्या है तो तब असली सत्य पता चलता है लोगों को इसलिए पांच विषयों के बारे में आज के प्रवचन में और अगले प्रवचन में दोनों में हम सीखेंगे आज के प्रवचन में दो ही विषय हैं, क्या मैं सेवा देना चाहता हूँ भक्तों को नहीं तो मैं भक्तों से सेवा लेना चाहता हूँ यही एक चीज है दूसरा विषय है क्या मैं भक्तों को आदर देता हूँ नहीं तो मैं मान सम्मान की अपेक्षा करता हूँ ये दूसरा विषय है इन दो विषयों के बारे में आज की चर्चा हम करेंगे आज के क्लास में ओम अज्ञान शाकया चु उन्मील श्री गुरव नमः श्रीचैतन्यमोभीष स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाती स्वदातिक वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवांशाग्रह श्री तम सजीव साइतम सौदूत परजनासगि सा कृष्णचैतन्यम गण ललिता श्री विशाखाता ओं भक्ति वेदांत स्वामी भक्तिस्वामीति नमस्ते सारस्वते देवौरवाणीपचारिणे निर्विशेषून्यवादी पाश्चादेशणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने क्रिष्ना गौरत्विषे नमः हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्तनमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हम लोग शिल्पा जी की इस कॉन् संस्था में जुड़कर जब सेवा देना प्रारंभ करते हैं हम ये एक महत्वपूर्ण विषय सीख लेते हैं जो कंपनी में काम करता है इंसान वो प्रेम प्रेम के साथ नहीं जुड़ा है उसको वेतन मिल रहा है इसलिए वो काम कर रहा है कंपनी में अगर कंपनी उसको वेतन देना बंद कर देता है तो इसका नौकरी भी बंद हो जाएगा इसका कुछ नहीं करेगा कंपनी में वो इसके विरुद्ध इस कान में जब हम लोग आते हैं सब भक्त जुड़े हैं भगवान के ऊपर प्रौपा जी के ऊपर गुरु महाराज के ऊपर उनको प्रेम है इसलिए सेवा देने के लिए आए हैं ये बात हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कभी कभी हम भक्तों के निकट आकर सेवा देते समय सेवा लेते समय कभी कभी हम ये असमशन कर लेते हैं असीुम कर लेते हैं असीम का मतलब है ऐसे सोच लेना कि ये इतने मंदिर में इसका ये स्कड्यूल है ऐसा इसको सेवा करना चाहिए वैसा करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए कभी कभी भक्त लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय ये मान लेते हैं कि ये तो वक्त हमारे मंदिर में बहुत सालों साल है इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये लोग मुफ्त में कुछ वेतन लिए बिना सेवा दे रहे हैं हमें कृतज्ञ होनी चाहिए एक बार मेरे गुरु महाराज बता रहे थे ब्रह्मचारी जो हैं बाकी ब्रह्मचारियों को देखना चाहिए कि ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं कुछ कंपनी में बाहर काम कर सकते थे लेकिन छोड़कर आए हैं घर छोड़कर कंपनी छोड़कर दुनिया के जो भौतिक या इत्यादि को छोड़कर इधर आए हैं सेवा देने के लिए तो हमें कृतज्ञ होनी चाहिए इसी तरह कांग्रेगेशन भक्त भी जो होते हैं माताएं हैं आकर हार बनाती है भगवान के लिए भोग बनाती है घंटों घंटे तो हमें सोचना चाहिए कि इनको क्या वेतन दिया जाता है एक भी पैसा नहीं तो भगवान की खुशी के लिए लोग वॉल्टरली आए हैं वैदिक संस्कृति में बताया गया कि एक ब्राह्मण जो है अगर आपको ज्ञान देता है तो पैसा नहीं लेता है अभी हम आपको कोर्स कर रहे हैं माल्ट कोर्स मैनेजर्स एंड लीडर्स ट्रेनिंग हम कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं इसके लिए क्योंकि हमारी संस्कृति है ऐसा है कि ब्राह्मण जो ज्ञान का दान देता है वो पैसा नहीं लेना चाहिए पैसा लेने से उसका दम वेट कम हो जाता है उसमें कृतज्ञता नहीं रहता तो आप देखते हैं कि ब्राह्मण ज्ञान देगा लेकिन सैलरी नहीं लेगा वो इसी तरह क्षत्रिय भी अगर जंगल में आप चलते चलते अचानक एक बाघ शेर कुछ आ गया हाँ, आप रो रहे हो चिल्ला रहे हो तो एक छतरी आकर उसको जानवर को भगा देता है आपको बचा दिया अगर आप उसको पांच सौ रुपया नोट निकाल कर दो लेगा नहीं वो अरे बोलेगा तो मैं तो मैंने अपना ड्यूटी किया मैंने वैदिक संस्कृति में अगर आपने ड्यूटी किया अपना उसमें ही इंसान तृप्त है वो फलाकांक्षी नहीं है फल की अपेक्षा नहीं करता है फिर क्या अपेक्षा है अगर मैं बीज बोता हूँ पानी सींचता हूँ आम का तो आम का पेड़ आता है तो आम का आम का फल तो आएगा ही ना तो इसलिए एक इंसान एक फल की अपेक्षा ना करते हुए कैसे काम कर सकता है इस दुनिया में हाँ फल की अपेक्षा है क्या फल चाहिए हम हमको चित्त शुद्धि और गुरु की खुशी बस ये दो ही चाहिए हमको किसी भी सेवा से जैसे कि चित्त की, की शुद्धि हो भगवान तृप्त तो हो गुरु तृप्त तो हो जाए इतना ही रखना चाहिए खास करके जो आध्यात्मिक जीवन में जुड़े हैं उन भक्तों को इसलिए इसको बोलते हैं वॉलंटरी सेवा ऐसे द सर्विस इट सेल्फ इज अर्ड सेवा ही एक तरह का आ, भेंट है एक सरल उदाहरण मान लीजिए आपके गुरु महाराज आ रहे हैं कोई पूछते हैं आपको प्रभु जी आपके बड़ा कार है आपके पास इनोवा कार है गुरु महाराज को ला सकते हैं क्या एयरपोर्ट से आप क्या बोलेंगे क्यों नहीं प्रभु जी मैं आप इसको ली भी लगा दूंगा है छुट्टी करके आ जाऊंगा है ग्यारह बजे भी जाना हो जाने के लिए रात को बारह बजे भी जाकर लेके आना गुरु महाराज को हम लेके आएंगे क्योंकि उधर आप एक प्रेम का अनुभव करते हो आप हुँ? क्योंकि गुरु महाराज महान व्यक्ति हैं हमको दीक्षा दिया है हमको भक्ति में जोड़ा है उनके लिए हम जान भी देंगे हु? इस तरह की भावना के साथ सेवा किया जाता है प्रेम से किया जाता है और सेवा में निस्वार्थ भावना भी है जैसे एक श्लोक में हमने सुना है परोपकारा फलंती वृक्षा परोपकार गाय भी दूध देती है पेड़ भी फल देता है नदी भी पानी देती है लेकिन कोई पैसा नहीं लेता है आपसे हाँ मुफ्त में परोपकार की भावना में वो सब करते हैं भगवान की सृष्टि में इस तरह हम लोग भी सब दुनिया के लोगों को परोपकार करना चाहिए जन्म सार्थक कर, करना चाहिए तो ये परोपकार का संस्था है जिसमें हम कुछ वेतन नहीं लेते हैं कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं सिर्फ प्रेम से हम सेवा देने के लिए हम लोग जुड़े हैं संस्था में और इस सेवा में त्याग भावना भी है क्योंकि हम देखते हैं कि माता जो होती है छोटे बच्चे को जन्म देती है तो कभी कभी रात को बारह बजे उठ जाता है बच्चा बीच में रोता है जोर से उसको डायपर बदलना होता है को साफ सुथरा करना होता है तो दिन में भी वो कसरत करती है रात में भी बच्चा जगा देता है उनको कोई उस माता को बोले हे hey, माता ये बच्चा बहुत तंग कर रहा है आपको इसको हम हैंड ओवर करते हैं कुछ ऑर्फनेज में है अनाथ आश्रम में दे दिया जाए बच्चे को आप आराम से रहो क्या बोलेगी माता एक लाफत दी गई वो वो बोले गए अरे मुर् मेरा बच्चा है हम क्यों उसको अनाथ आश्रम में देंगे हम उसको संभालेंगे तकलीफ जितना भी दे बच्चे लेकिन वो बच्चा मेरा है मैं प्रेम से सेवा करूंगी उसकी इस तरह मां बोलती है ना इसी तरह भक्त भी भगवान की सेवा प्रेम से करता है वो सोचता है नहीं करे भगवान को भी सजाना है भगवान को श्रृंगार करना है मेरा माला जपने के लिए टाइम नहीं है ऐसा नहीं सोचता है भक्ता कभी वो और भी जल्दी उठ जाएगा माला जप लेगा लेकिन सेवा प्रेम से करेगा वो सेवा को कभी भी बोझ के रूप में नहीं लेता है भक्ता उसको बोझ नहीं है सेवा सेवा एक तरह का आनंद है इस तरह है। इतना ही नहीं अनेक लोग कान में आने के बाद कभी कभी विद्यार्थी लोग पूछते हैं प्रभु जी जब मैंने गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामी जो सुना मैंने प्रभु भी आंखों से आंसू सो आने लगी प्रभुजी ऐसे कुछ विद्यार्थी लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है प्रभु जी में क्या शुद्ध वक्त हो गया है क्या तो मैं उनको इतना ही पूछता हूँ ठीक है अब तुम सेवा क्या करते हो वो बोलता सेवा के लिए टाइम नहीं प्रभु जी हमको बहुत कुछ जिम्मेदारियां कंपनी जाना है घर को देखना है यह करना है वो करना है तो जी पूछते हैं कि अरे तुमको प्रेम है तो उसको सेवा के रूप में प्रकटीकरण होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति विवाह करता हो पत्नी को बोलता है कि बीबी मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन तुमको साड़ी नहीं दूंगा तुमको आभूषण नहीं दूंगा तुमको घर बांध कर नहीं दूंगा तुमको गा, गाड़ी नहीं कर दूंगा कुछ नहीं दूंगा लेकिन सिर्फ प्रेम करूंगा तुमसे कोई स्त्री तैयार होगी स्त्री भाग जाएगी अपने मायका में हा? बोलेगी इसके पास कुछ नहीं है हा? तो हर एक व्यक्ति जो है अगर प्रेम प्रकट करना चाहता है तो उसको प्रकट करने के लिए मार्ग भी बताया है हा? अगर कोई पिताजी बोलते हैं बेटे को बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर पढ़ो लेकिन तुम्हारे भोजन के लिए ठहरने के लिए कॉलेज फी के लिए पैसा मेरे पास मत मांगो मैं नहीं दूंगा सिर्फ प्रेम करूंगा तुमको ऐसे <laughs> बोलेंगे तो कैसे इंजीनियरिंग पास करेगा वो हा? इस तरह हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में भी प्रेम है तो वो सेवा के रूप में प्रकट होता है इस तरह कोई बोलता है भगवान को प्रेम करता हूँ आंसू बहाता आता हूँ आंखों से लेकिन भगवान की श्रृंगार नहीं करूंगा भगवान के लिए कसरत नहीं करूँगा कुकिंग नहीं करूँगा भगवान के मंदिर में जाड़ू नहीं झाड़ू पहुँचा नहीं करूंगा बुक वितरण नहीं करूंगा हरिनाम संगत में नहीं जुड़ूंगा सिर्फ कभी कभी थोड़ा आंसू आ जाएगा ये तो भावुक तरह का प्रेम हो गया इस तरह का प्रभुपा जी ने बोला हमारी संस्था भावुक लोगों के लिए नहीं है सेवा करने वाले लोगों के लिए है हर एक भक्त को पूछना चाहिए कि आज पूरा दिन मैंने प्रभुपा जी के मिशन के लिए क्या किया मैंने और एक हफ्ते के बाद पूछना चाहिए पिछले हफ्ते में मैंने प्रभुपा जी के मिशन के लिए क्या किया और एक महीने होने के बाद पूछना चाहिए पिछले महीने में मैंने प्रौपातिक मशीन के लिए क्या किया हूँ तो हमेशा सोचना चाहिए हमको इसका मतलब है सेवा देना चाहिए तो सेवा कैसे चालू होता है शुरुआत में इंद्रियों से चालू होता है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुचते ऐसे बोलते हैं इंद्रियों से होता है कैसे अभी उदाहरण के लिए हम लोग नमस्कार करते हैं भगवान के शिव ग्रह के सामने आकर प्रदक्षिणा करते हैं हाथ ऊपर करके नाचते हैं हम कीर्तन में इस तरह हम अलग अलग तरह से भगवान से की सेवा करते हैं उसके बाद भगवान की गुणगान करते हैं प्रवचनों के द्वारा भगवान के लिए कीर्तन गाते हैं ऐसे उसके बाद धीरे धीरे ये सब करने के बाद भगवान के ऊपर प्रीति बढ़ता जाता है तो भगवान के लिए भगवान को सजाने के लिए कपड़े बनाते हैं उनके लिए सिलाते हैं कपड़े नहीं तो भगवान के लिए हार बनाते हैं भगवान के लिए भोग बनाते हैं इस तरह इस तरह धीरे धीरे ये सब शरीर और अंगों से किया हुआ सेवा होता है hmm. तो जी सैन फ्रांसिस्को में एक उसको न्यू जगन्नाथपुरी नाम दिया प्रभाजी ने है? और उधर बहुत बड़े जगन्नाथ बल सुभद्रा की स्थापना हुई बहुत हिपीज आए थे उधर तो हिपी लोगों को मालूम ही नहीं था भगवान की विग्रह की कैसे पूजा आराधना करना चाहिए जब आरती लाम पर उतारने के बाद जब आया hmm. सब लोगों को जब आरती दिखाया गया उनको मालूम नहीं था कि आरती दिया को देखने के बाद क्या करना चाहिए तो प्रपंच बोला इधर लेके उसको तो लेके आए प्रपंच ऐसे रखकर उसको आंखों में लगा लो और एक बार ऐसे में लगा लो उसका मतलब है हे भगवान हमको दिव्य आंक दो आपको देखने के लिए जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भे इस तरह तुम आरती लोगे तो धीरे धीरे दिव्य अंक आ जाएगा तुमको साथ साथ सर में लगाने से तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद आ जाएगा भगवान की तो सब हिपी समझ गए सब करने लगे हिपी उसके बाद प्रपज ने आ, बोला हिप्पियों को आप कभी भी मंदिर में काली आओ भगवान के लिए कुछ फूल लेके आओ कुछ फल लेके आओ तो अनेक हिप्पी सुनते ही तुरंत लौट गए मंदिर से बाहर जाकर अलग अलग फल लेकर आए कोई संतरा लेकर आया कोई केला लेकर आया है कोई एप्पल लेकर आया इतने हिप्पी लोग लेके आए वो आल्टर में भगवान के सामने इतना पूरा भर गया आल्टर फ्रूट फल से हा? उसके बाद प्रपंच ने भोग चढ़ाया उन फलों को और उसके बाद उसको निकाल कर सब हिपियों को दे दिया फल वेरी गुड आप लोग तुरंत समझ गए बात इस तरह भगवान के मंदिर में आज से मैं भगवान को आकर सेवा देना चाहिए आपको इस तरह अलग अलग सामग्रियों के द्वारा हम सेवा देते हैं और अगर हम प्रगति करते जाते हैं इस तरह सेवा करते करते हमारे मन से भी हम सेवा दे सकते हैं नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी था हम वो बैठे बैठे ध्यान करके भगवान श्री चैत्र महापुर के लिए सुंदर रास्ता बनाया वृंदावन बन जाने के लिए उस रास्ते में ऐसे फूल की पंकड़ियों से उसको सजाया और रास्ता के दोनों बाज में रत्नों से मंडित था वो ऐसे सुंदर सुंदर तालाब थे उसमें बतक थे उसमें हंस पक्षियाँ थी और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लताएं थी जिनमें पक्षियां कलरव कर रही थी बहुत मनोरम वातावरण था ये सब बनाया उसने मन ही मन मन में ही अरे चैतन्य महाप्रभु चलते गए नाचते हुए गाते हुए ऐसे ये नरसिमहानंद ब्रह्मचार्य तो एक स्थान में चैतन्य महाप्रभु रुक गए तब नरसिमहानंद ब्रह्मचार्य ने बोला सब भक्तों को अब इस बार महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे लौट आ जाएंगे वो सही निकला क्योंकि मन में इन्होंने जो रोड बनाया उसमें ही गए महाप्रभु हाँ आप देख सकते हैं इस तरह और एक व्यक्ति था मानस पूजा किया जिसका नाम है प्रतिष्ठानापुर प्रतिष्ठान जो दक्षिण भारत में वो वो बहुत बहुत लेकिन उसके भक्ति भक्ति करने के के लिए लिए लोभ था उसमें है, वो सोचा कि मैं तो भगवान सिर्फ सोना चांदी के बर्तनों में सब अर्पित करूंगा ऐसा सोचा उसके पास फटे कपड़े थे हड्डी दिख रहे थे उसके पास वो भी कपड़े भी नहीं था ठीक तरह से लेकिन भक्ति में इतना लालसा थी उसकी भगवान की सेवा करने के लिए तो ऐसे एक नदी के तट में बैठ कर आंख बंद करके ऐसे उन्होंने मानस पूजा पूजा की सोना का चांदी का सब बर्तन लाया स्वीट राइस भगवान को देना चाहा गर्म है कि नहीं देखने के लिए उंगली डाला <laughs> उंगली जल गया इसको देख भगवान विष्णु हंस पड़े तब लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों आप हंस रहे हैं बताइए कारण क्या है तो बोले देखो ब्राह्मण मान पूजा करके इतना अर्पित किया है मुझे मन ही मन है? तो उसका उंगली जल गया है तो लक्ष्मी ने बोला उसको तुरंत उसको लाइए वैकुंठ में तुरंत भगवान ने गरुड़ जी को भेज कर उनको वैकुंठ में लाया उनको तो इस तरह मन से भी पूजा किया जाता है भगवान के लिए वसुदेव ने भी कृष्ण की जन्म के दिन अनेक गाय सैकड़ों गाय उन्होंने मन ही मन आ, आ, दान में दिया लेकिन जेल के बाहर आने के बाद अनेक गायों को भी उन्होंने दान में दिया ऐसा नहीं कि मन में ही दिया बाद में नहीं दिया बाद में भी दिया उन्होंने बोले मतलब क्या है? हम लोग इस तरह हमारे इंद्रियों से हमारे मन से भी और हमारे पास जो भी सामग्री है इत्यादि से हम सेवा करते हैं भगवान की लेकिन आज के विषय जो है जो हम चर्चा करना चाहते हैं बहुत खास विषय मैनेजर लोगों के लिए हम, मैनेजर और लीडर्स जो बनते हैं उनके लिए हम सेवा के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं हम हम दूसरों को तब सेवा में लगा पाएंगे जब हम खुद ही सेवा में लगते हैं अच्छे तरीके से तब एग्जाम्पल बोलते हैं इसको आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके जैसे चैत्र महाप्र गुंडीचा मंदिर मार्जन में हम देखते हैं महाप्र ने एक दिन बोला कि चलो सब लोग हम मुंडीचा में जाएंगे साथ में हम मंदिर का मार्जन करेंगे तो महाप्रभु लीडिंग लिया सब लोग पीछे पीछे आए जैसे ट्रेन में इंजन होता है सामने उसके पीछे सब बोगीस होते हैं इंजन जाता है तो पीछे पीछे सब बोगीस आ जाते हैं तो अगर एक लीडर मैनेजर वो सेवा में लगता है तो बाकी लोग भी लग जाते हैं हमारे मंदिर में एक परिवार है जयदेव प्रभु सत्युत माता जी अच्छा परिवार है वो बड़े काउंसलर हैं सीनियर काउंसलर हैं उनके पास सैकड़ों भक्त हैं उनसे गाइडेंस लेते हैं वो खुद ही डालते हैं बहुत पैसा जन्माष्टमी के लिए कभी वो दे देंगे तीस लाख चालीस लाख ऐसे दे देंगे हैं जब उन्होंने बहुत कुछ दान दिया है सब लोग उनके काउंसिल जानते हैं कि हमारे लीडर ही बहुत देते हैं दान देते हैं भगवान के मंदिर के लिए तो उसको देख बाकी लोग भी बहुत प्रेम से देते हैं हा? वो सोचते हैं कि हमको भी देना चाहिए इसी तरह सीनियर लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं उसको देख कर, कर एक विजय पुनः में वो इतना प्रचुर मात्रा में वितरण करते हैं किताबें उसको देखकर बाकी ग्रुप के लोग सोचते हैं हमको भी वितरण करना चाहिए तो अनेक लोगों को थोड़ा लगता है कि मन ही मन अरे हमारे लीडर इतना कर रहे हैं हमको कुछ करना चाहिए हम्म इस तरह हम लोग मैनेजर लीडर जो होते हैं कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम लोग बैठ कर दूसरों को आदेश देंगे अरे चलो सब लोग ये करो वो करो हम कुछ नहीं करेंगे तो लोग सोचते हैं कह रहा है बड़ा बड़ा आदेश देता है वो खुद ही नहीं करता हम क्यों करें ऐसे लोग सोचते हैं इसलिए कुंडीचा मंदिर मार्जिन में महाप्रभु ने जितना धूल इकटित किया इतना बड़ा पहाड़ बना वो वो भक्त लोग साथ में आकर इकटित किया हुआ पहाड़ से भी था वो इतना महाप्रभु ने अच्छे तरीके से सफाई की थी उसके बाद जब पानी डालने लगे सब लोग महाप्रभु और सिंहासन में जिधर जगन्नाथ जी बैठेंगे उसको अपने हाथ से सफाई कर रहे थे खुद ही ऐसे करते करते उस पानी के साथ साथ महाप्रभु की आंखों से कुछ प्रेमाश्रु भी गिर गया वो भी मिल गया उसमें इसका मतलब क्या है सेवा प्रेम से करना चाहिए जो भी हम करते हैं अगर प्रसाद परोस रहे हैं प्रेम से परोसना चाहिए झाड़ू मार रहे हैं प्रेम से झाड़ू मारना चाहिए सेवा को बोझ नहीं मानना चाहिए वो खुद ही दिखाते हैं ऐसे जब भगवान को छाछ देती थी वो मुस्कुराते प्रेम से सोचा कि हमारे गढ़ा को लेकर भगवान उसमें से चा चाच पीने वाले हैं ऐसे सोचते हैं उनके आंखों से प्रेम आंसू निकलता था करके वो चाच के गढ़े में गिर जाता था उसको देते थे भगवान उसको प्रेम से पीते थे क्योंकि उसमें उनका गोपियों का प्रेम मिश्रित है उसमें <laughs> इस तरह महाप्रभु ने खुद भी सेवा की तो हम लोग मैनेजर बनते समय अलग अलग लोगों के साथ हमें पेश आना होता है हमारे से वरिष्ठ हैं लोग हमारे से सम लोग हैं हमारे से कनिष्ठ हैं तो मैं आपको अलग अलग पावर पॉइंट दिखाने वाला हूं जिसके द्वारा आप आसानी से इन विषयों को समझ पाएंगे बहुत सरल तरीके से Hmm. Okay, इधर दिखाया गया कि हम दूसरों के ऊपर स्वामी तो नहीं जमाना चाहिए आप लोगों को पहले भी एक लीला बोला था जो राहुगण और जड़बरद का बोला था जैसे बास इधर चला रहा है वो उसके ने डर गई है वो हम्म मैं तुम्हारा बास उसको कभी बोलो मत इस तरह तो हम लोग मैनेजमेंट uh, में कभी कभी गर्मी का अनुभव करते हैं गर्म हो जाते हैं कभी उसका कारण क्या है ब्रह्मा जी भी सृष्टि <laughs> के शुरुआत में चतुष कुमारों को पैदा किया उन्होंने और उनको बोला कि हे hey बच्चे भगवान ने मुझे बड़ा प्रोजेक्ट दिया है मैं प्रजापति हूँ वंशवृत्ति करना है हमको हे बच्चे आ जाओ अभी तुरंत चालू करो करोड़ों वेट कर रहे हैं उनको शरीर देना है तो सचिश कुमार बोले नहीं नहीं हमारा योजना दूसरा है पूछे क्या हम मुक्त होकर भगवत नाम लौटना चाहते हैं हम सृष्टि में भाग लेना नहीं चाहते हैं तुरंत नाराज हो गए वो ब्रह्मा जी उनके ब्रिगुटी से रुद्र निकलने लगे हैं आग बबूले हो गए ब्रह्मा जी हम देखते हैं क्यों कारण क्या है ब्रह्मा जी ने सोचा अरे मैं एक आदेश दे रहा हूं और मेरे बच्चे मेरे एकदम विरुद्ध कुछ सोच विचार कर रहे हैं ये क्या है तो ये एक मैनेजर का क्रोध का कारण है अगर हम उसको बोलते हैं किसी का उत्तर दिशा में जाओ वो बोलता दक्षिण में जाऊंगा <laughs> तुरंत तो हमको नाराज हो जाते हैं क्योंकि बात नहीं मानता है सुनता नहीं है, है हम जो भी बोलते हैं हम लेफ्ट बोलेंगे तो राइट बोलता है ऊपर जाओ तो नीचे बोलेगा उठो बोलेंगे तो बैठता है बैठो बोलेंगे तो उठता है अपोजिट करता है नाराज होते हैं लेकिन ब्रह्मा जी बाद में सोचा उन्होंने इस ब्रह्मांड का लक्ष्य ही है भगवत नाम लौटना और वो ही मेरे बेटे करना चाहते हैं गलत क्या है ठीक है मेरे अभी के प्रोजेक्ट में मदद नहीं कर रहे हैं फिर भी वो गलत कुछ नहीं बोल रहे हैं वो ऐसे समझ कर वो शांत हो गए उसके बाद The सेवा इन हैंड क्रिएट टेंशन जो अभी हमारे हाथ में जो सेवा है उनकी सेवा ताकि प्रजापति बनकर बच्चे पैदा करना उसके ऊपर इतना ध्यान चला गया कि वो इस ब्रह्मांड की जो अंतिम लक्ष्य जो है उद्धार होना हो जाना उसको वो बोल गए उस समय ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी तो महात्मा महात्मा डिवोटी हैं भगवान के वो उनके गलती को हमें गलती नहीं मानना चाहिए उनको लेकिन हम जैसे जीवों को सिखाने के लिए इस तरह भगवान उनके द्वारा लीला कराते हैं ऐसे तो कभी कभी हमारे पास ये एक सेवा है कोई और दूसरा सेवा करने के लिए जाता है तो हम सोचते हैं कि मैं जो दिया वो क्यों नहीं कर रहा है कभी कभी ऐसा होता है हमने हम, हमारे अनुभव है भक्तों के इसमें इसलिए नेवर द परवर्स जॉय ऑफ वॉसिंग ओवर बात बताया गया देखिये लोग तो भगवान को सेवा देना नहीं चाहते हैं कलयुग में है। सब लोग नाम यश पूजालापत चकित करते हैं जैसे देखते हैं आजकल अनेक बोग स्वामी से हैं जो लोग बोलते हैं देखिए है सब माया और आपके आत्मा भगवान का और आपके शरीर बोल रहा है वो, सब इस तरह के अनेक लोग गलत धनम जनम सुंदर इत्यादि में डूब जाते हैं इस तरह है। लेकिन इसको में जुड़े हुए भक्तों का बहुत सावधानी से अपने लीडरशिप का पद भी स्वीकारना चाहिए जैसे देखा गया कि एक किसी किसी एक कम्युनिटी में एक भक्त था जो वो लीडर था वो काउंसलर था उसको वो लोग काउंसलर बनाया था वो प्रचार करके ऐसे 150 100 ऐसे इतने लोगों को जोड़ा था उसने लेकिन वो बड़े भक्तिमान था बुद्धिमान था उसकी पत्नी को इंटरेस्ट नहीं था उतना ज्यादा वो पुण्यात्मा थी लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उसके ग्रुप में आने वाले कोई परिवार थे उनको उनमें से एक माता जी थी उनको भक्ति में बहुत गंभीर थी वो लेकिन उनके पति को इंटरेस्ट नहीं था उनके पति को ऐसा था इसलिए माता जी जो भक्ति में गंभीर थी वो उसके निकट निकट आ गई इसके कारण दोनों के बीच में दुर्व्यवहार होने के कारण वो पूरा वो प्रचार काम बंद हो गया फॉरिन में हुआ देश में नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वो एक सौ लोग सॉप छोड़कर चले गए सोचा कि अरे ये भी विवाहित है वो भी विवाहित है इस तरह का दुर्व्यवहार किया है लोग निकट गए तो ये इस तरह वो डाइवर्स ये स्त्री अपने पति को डाइवर्स कर दी वो उसको इसका विवाह किया उसने उसके कारण है लोगों को ये हो गया ये छीछी छी 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 क्या चल रहा है इधर ये क्या आध्यात्मिकता है इसमें तो इस तरह सोच के लोग चले गए तो नेता लोग जो हैं उनको धनम जन्म सुंदर ये तीनों से बहुत सावधानी से व्यवहार करनी चाहिए क्योंकि थोड़ा भी हम इनअटेंटिव होंगे ऐसे बताया गया कि मोमेंटरी बिग प्राइस एक छोटा कुछ समय के लिए भी अगर हम सावधानी नहीं रखा हमने तो बहुत तो उसके लिए पैसा भरना पड़ेगा उसके लिए जैसे एक मात्र जी किचन में ये कर रही थी रसोई कर रही थी वो कर्टन जो था ऐसे उड़ते हुए आ रहा था लेकिन वो जो गैस स्टोव में जो आग था उसको पकड़ लिया तो बाहर गए थे दूध लेके आने के लिए आत, आने के बाद देखा पूरा किचन जलाकर राख बन गया काला काला हो गया ऐसे ये क्षण क्षण मात्र के लिए एक में ऐसे होता है इस तरह बस में कोई जा रहा है हाथ हाथ को बाहर डाला तो हाथ कट जाता है कभी एक्सीडेंट में तो हम लोग इस दुनिया में भी सावधानी रखते हैं सड़क में चलते समय इत्यादि इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी हाँ। तो जन्म जन्म सुनता आग जैसे हैं इन चीजों के साथ डील करते समय आध्यात्मिक संस्था में एक भक्त को सावधानी रखना चाहिए खास करके अनेक संस्थाओं में गलतियां होता है हमारे संस्था में नहीं होना चाहिए हम भक्ति मार्ग की संस्था है प्रभुपाद जी ने इतनी कसरत किया है हमेशा मन में सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी और पूर्व गण इस संस्था को इतना बड़ा करने के लिए कितना प्रयत्न किया है हम इस संस्था में योगदान देना चाहिए कुछ नुकसान नहीं करना चाहिए संस्था को इसलिए लीडर लोगों को सावधानी चाहिए अभी सावधानी में क्या है कभी कभी एक एक मैनेजर हो लीडर हो प्रचारक हो काउंसलर हो वो लोग धीरे 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 भी नाम यश जब बढ़ता है तभी थोड़े केयरलेस हो जाते हैं सावधानी नहीं रखते हैं क्योंकि सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ मैं मशहूर हूँ सब लोग मुझे पसंद करते हैं इस तरह सोचकर पूजा लाभ इत्यादि में उठते हैं वही बात बताया जा रहा है इधर इधर देखिए इधर ये बात चैतन्य आपको बताते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण है नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश सूर्यांश किरण ये अग्नि ज्वाला चय स्वाभाविक कृष्ण तीन प्रकार शक्ति बताते है बताते हैं कि जीव जो है भगवान का दास है उसका स्वरूप ही दास है और इस दासत्व को के बारे में सदा उसको सोचना चाहिए हम या तो भगवान कृष्ण के दास बन सकते हैं नहीं तो कुत्ते के दास बन सकते हैं ऐसे जी बोलते हैं जी बोलते हैं कि किसी परदेश में प्रभाजी ने देखा एक कुत्ता आगे चल रहा था एक आदमी पीछे एक टिन लेकर कुत्ते के पीछे पीछे जा रहा था क्योंकि अगर कुत्ता विष्टा कर दिया तो उसको कुछ सौ डॉलर दो सौ डॉलर पैसा बनना पड़ेगा सड़क में अगर उसने विष्टा कर दिया तो इसलिए वो पीछे पीछे जा रहा था वो टिन पकड़े हुए हैं ताकि कुत्ता विष्टाना कर कर दे पापा ने देखा भक्तों को दिखाया देखो ये कुत्ते का दास है कुत्ते का सेवा कर रहा है ऐसे बोले जी इस तरह हम लोग या तो कृष्ण के दास बने भगवान के दास बने नहीं तो कुत्ते के दास बनते इस दुनिया में सबको दास बनना ही है कुछ लोग जिग्वा का गुलाम बनते हैं कुछ लोग जननी का गुलाम बनते हैं कोई कुछ लोग पैसा का गुलाम बनते हैं कोई कुत्ते का गुलाम बनता है कोई अगर हमको सेव सेवक बनना ही हो तो भगवान की सेवा कम क्यों न बने ऐसे प्रभाजी पूछते हैं इसलिए ये जो है ये बात मैं सर्वंट हूँ मैं दास हूं ये बात को हमें बार बार पुनः स्मरण करना चाहिए तो मैंने देखा है कि मेरे गुरु महाराज के कमरे में मैं जब भी गया तो महाराज ऐसे हाथ जोड़कर तो बोलते राधे श्याम प्रभु हाउ कैन आई सर्व यू ऐसे पूछते थे मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूँ तो मैं महाराज को बोला एक बार महाराज सेवा तो मैं करूंगा आपको आप क्यों ऐसे प्रश्न पूछते हैं मुझे तब महाराज ने बोला यह व्यक्ति अगर गुरु भी बन जाएगा उसको सोचना चाहिए कि मैं मेरे शिष्यों का सेवक हूं तो उनको सोचना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज ने इतने शिष्य भेजा है मुझे ताकि मैं उनको सेवा करके उनके ऊपर उठाने की सेवा करूँ इस तरह मुझे सोचना चाहिए ऐसे महाराज बता रहे थे <laughs> इसका मतलब है हा? आप ऊपर की अवस्था में मैनेजर लीडर होकर भी आपके नीचे के लोगों को सेवा कर सकते हो आप यू कैन डू सेवा हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं मैनेजर हूँ मैं लीडर हूँ ये सब लोग मेरे सेवक हैं ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए एक मंदिर में हम गए थे मेरे गुरु महाराज के साथ उस मंदिर में मैंने महाराज को इंट्रोड्यूस किया महाराज ये मंदिर में ये, एक ब्रह्मचारी के ग्रुप को मैंने भेजा है ये लीडर है वो लीडर को बुलाया मैंने बोला महाराज ये लोकल लीडर है इधर बहुत अच्छा प्रचार करता है हाँ। तो महाराज ने उनको पूछा हरे कृष्णा महाराज ने बोला और तुम्हारे साथ जो चार पांच लोग हैं ब्रह्मचारी वो कौन है महाराज ने पूछा वो बोला महाराज ये सब लोग मुझे मेरे असिस्टेंट्स हैं और मुझे हेल्प दे रहे हैं ऐसे उन्होंने बोला महाराज को तो महाराज बोले उनको बाद में रूम में कमरे में, में हम लोग गए थे महाराज उनको बोले कि ये ऐसे आपको नहीं सोचना चाहिए आपको सोचना चाहिए कि ये सब भगवान के भक्त हैं और मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ साथ में हम लोग साथ में सेवा दे रहे हैं यू यू शुड नॉट थिंक दे आर असिस्टिंग अगर मैनेजर लीडर सोचेगा कि मैं मालिक हूँ और ये सब मेरे असिस्टेंट्स हैं वो भावना ठीक नहीं है महाराज बोले यू शुड थिंक दैट ये सब मेरे गुरु भाई हैं ये सब मेरे गुरु के शिष्य हैं और मैं भी इनके साथ हूँ और कोई कुकिंग कर रहा है कोई हार बना रहा है इस तरह मुझे भी कोऑर्डिनेट करने का सेवा दिया है वी शुड सी अवर सेल्स एस कॉर्डिनेटर नॉट अ लीडर ऐसे बोले कोऑर्डिनेटर समझा ना आपने अगर आपके साथ चालीस लोग आए हैं मैं आपको बुलाता हूँ प्रभु जी जीतराव आप गिन कर बताओ कितने लोग आपके साथ तो आप गिनते हो वन टू थ्री फोर गिन कर मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी हम हम चालीस लोग हैं प्रसाद के लिए ऐसे बोलते हैं इसका मतलब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप आप भी उनमें से एक हो इस तरह हमें सोचना चाहिए और उस समय महाराज बोले कि प्रचार भी अगर हम करते हैं हमें प्रहलाद के मूड में प्रचार करना चाहिए प्रहलाद के अंदर अहंकार नहीं था अपने मित्रों को प्रेम से समझाया उन्होंने इसलिए उनके सबके सब मित्र भक्त बन गए वो। इस तरह को like devotees, वो। soul, मैं एक जीव हूँ बाकी जीव जैसे ही मैं भी एक क्षुद्र जीव हूँ मैं भगवान नहीं हूँ तो जी बोल रहे हैं कि जितना मैं कृष्ण की सेवा करूंगा उतना मैं आनंद प्राप्त करते हैं हम तो सेवा करना जीव के लिए स्वाभाविक है जैसे हमारे हाथ आंख, पैर सब पेट को सेवा कर रहा है इस तरह हम भी भगवान को सेवा देने से उसमें असली आनंद है इसका एक ही मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग इस तरह इधर आप जो देख रहे हैं इधर पिक्चर में देख रहे हैं गौरताए हैं ये लोग आनंद लूट रहे हैं भगवान की कीर्तन करने में भगवान के गुणगान में इस तरह के चीजों में हमें सुख प्राप्त करना चाहिए बट वी शुड नॉट इन बॉसिंग बॉसिंग करने की टेंडेंसी जो आता है उसके बारे में मैंने पहले भी एक प्रवचन प्रवचन दे चुका हूं आप लोग ने सुना होगा मैं स्वामी हूँ मैं वक्ता हूँ मैं नियंत्रण करता हूँ ऐसे एक प्रवचन था है ना पहले तो हम दो तरीके के सुख हम पा सकते हैं एक है दूसरों के ऊपर स्वामित्व जमाने में जो हिरणकशिप का सुख है हाँ? और दूसरे भक्तों को भगवान के भक्तों के रूप में देकर आदर देते हुए प्रेम से उनके साथ सेवा करना प्रहलाद का सुख है हमको क्या सुख चाहिए प्रहलाद हिरणकशिप का सुख चाहिए हमें स्वाभाविक प्रहलाद का <laughs> प्रहलाद जैसे हमें सुख प्राप्त करना चाहिए वही पॉइंट है देखिए हाँ? तो भगवान की सेवा जो है वो पर्सनल है सुंदर है शाश्वत है परम आनंददायक है लेकिन भौतिक दुनिया में अः सब चीज क्षुद्र है सब चीज टेम्पररी है वो बताते हैं गोविंद सर्व कारण कारण ये सब क्यों पिक्चर दिखाया गया है हमें सोचना चाहिए कि मैं बहुत क्षुद्र हूँ छोटा जीव हूँ भाई ब्रह्मांड बहुत विशाल न, तो की नाहिक है अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है भगवान वो देख रहे हैं तो गुरु महाराज देख रहे हैं जी देख रहे हैं मैं छोटा हूँ इस तरह की भावना होना बहुत आवश्यक है ब्रह्मा के बारे में एक श्लोक है ब्रह्मा बताते हैं यस्य इक निश्वसित काल मथावलम्ब्या जीवा तिलोम विलजा जगदंडनाताह विष्णुर्महांचयहस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषं तमहं भजामि ब्रह्माजी बताते हैं कि जब महाविष्णु आनंद कोटि ब्रह्मांड को अपने शरीर से निकालते हैं तब वो श्वास लेते हैं बाहर जब श्वास अंदर लेते हैं इतने में सब ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर घुस जाता है वापस लेकिन वो कितना साल है करोड़ों करोड़ों साल है वो देखिए भगवान महाविष्णु कितने श्रेष्ठ हैं और वो भी कृष्ण के अंशांश है वो भी कृष्ण कितना महान होंगे तो इस तरह भगवान की महानता और अपनी क्षुद्रता इसके बारे में हम लोग सोचते रहने से हम गर्वित कभी नहीं होंगे वो पॉइंट है यस्व इंद्र गोप मतवेन्द्र मतलब इंद्र महोस्व कर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनो इंद्र और इंद्र गोप इंद्र गोप का मतलब एक लाल एक एक कीड़ा है छोटा फूल में मिलता है वो वो इंद्र गोप बोलते हैं उसको इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक सब जीव इस दुनिया में कर्म बंधन में फंसे हैं हु? मैं भी ऐसे एक शुद्र जीव हूँ कर्म में फंसा हूँ भगवान की सेवा प्राप्त तो हुआ है भक्तों की संग प्राप्त तो हुआ है इस तरह की भावना रखना चाहिए हमको बताते हैं हमारे कृष्ण के साथ जो संबंध है वो एकमात्र चीज हमारे साथ आने वाला है हमेशा उसके बारे में स्मरण करना चाहिए हमको तो नवविधा भक्ति ये हमें सही आनंद प्रदान करेगा हमको बताते हैं नव आप जानते हैं या। तो और एक दिखाता हूँ आपको और एक बार दिखाएंगे आपको अभी देखिए दूसरा ये पॉइंट क्या है एस्केप फ्रॉम एस्केपिंग मेंटालिटी तो इसके बारे में कुछ ड्रामा नाटक वगैरह मैंने एडिशनल जो दिए जाएंगे उसमें आपको प्राप्त होगा ठीक है इधर हम नहीं दिखा रहे हैं उधर आपको प्राप्त होगा उधर वो नाटक देखने से आपको बहुत सारे लता से समझ में आ गए पॉइंट एस्केप फ्रॉम एस्केपिंग मेंटालिटी का मतलब है कुछ लोग सेवा से दूर भागना चाहते हैं कुछ लोग मुझे याद आ रहा है एक बार एक किसी मंदिर में किचन से किचन किचन जो कुक था बड़े स्ट्रांग आदमी था तो उन्होंने एक असिस्टेंट को बोला कुछ तो असिस्टेंट बाहर आया प्रसाद हाल में ये यात्रा के टाइम था कहीं तो बाहर आया बोला अनाउंस किया हरि बोल प्रभु किसी को गुलाब जामुन चाहिए क्या ऐसा पूछा उन्होंने तो बीस लोग अभी अभी, अभी प्रसाद पूरा हो गया था उसके बाद भी गुलाब जामुन खाना चाहते हैं ना लोग भागते धोती पकड़ कर भागते हुए आए बीस लोग है क्या एक्स्ट्रा है क्या एक्स्ट्रा हम आगे आगे वो बोले आ जाओ इधर अंदर लेके गया किचन में ढाकर दिखाया बोला पाली बड़े पथेला का उठाओ वॉशिंग एरिया में लेके जाओ बोला उसको उठा कर लेके गए लोग अभी पानी डालो पानी डाला सोप डालो सोप डाला धुलाओ इसको धुला दिया उसको रोटेट रोल करके अंदर आकर सुखा दो सुखाने के लिए रख दो रख दिया ठीक है बोला अरे ये तो एक ही पतेला हुआ और चार पतेला है, है? सब्जी का भी उठाओ चावल का भी उठाओ अंदर चलो अभी सबको लेके जाओ तो ये लोग करते करते आधा घंटा हो गया उनका आधा पौना घंटा हो गया उसके बाद बीस लोग आए उनके पास तो वो निकाला उसके हाथ में सिर्फ चार गुलाब जामुन था उसके हाथ में अभी खड़े हैं बीस लोग <laughs> कैसे कर सबको थोड़ा थोड़ा दे रहा है वो हाथ में सब लोगों ने बोला अप्रुजी इतना थोड़ा मतलब जाओ हमने सोचा हम हमको चार चार दे देंगे वो बोला अरे मैंने बुलाया आप लोगों को लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतने लोग आओगे आप सेवा के लिए हमने सोचा कि चार लोग आएंगे तो एक एक दे दूंगा <laughs> मैंने सोचा आप इतने लोग आ गए बहुत अच्छी बात है ऐसे बोला लेकिन बाद में वो बीस लोग क्यों भागते हुए आए आपको मालूम है क्या अगर वो अनाउंस करता था अरे चार पतेला है जो धुलाने के लिए कोई मिलेगा क्या ऐसे बोलेंगे तो एक दो लोग आते थे है ना अभी उन्होंने क्या बोला गुलाब जामुन चाहिए क्या बोला वो तो बीस लोग आ गए वो समझा ना आपने <laughs> इस तरह इस दुनिया में देखा जाता है कि अगर इंद्रतत्व इंद्र तृप्ति है तो जीव भागता है उस दिशा में है अगर कृष्ण की सेवा हो उसमें कुछ कसरत हो तो दूसरे दिशा में भागता है आप बोलेंगे प्रभु जी हम ऐसा नहीं करेंगे ठीक हम नहीं करेंगे हमको भगवान की सेवा में रुचि है लेकिन बद्दावस्था में देखा जाता है कि जीव सेवा से भागता है दूर अवस्था में हम शुद्ध अवस्था में हम कर पाएंगे इसलिए मैनेजर जो होता है उसको भक्तों को कोसना नहीं चाहिए कि अरे क्या है ये सेवा से भागता है सेवा नहीं करता आलसीपन करता है इस तरह हम, उनको निंदा करने से सेवा नहीं होगा हमें आ, आइडिया निकालना चाहिए कि इन लोगों को कैसे लगाया जाए न? हमें कुछ उपाय ढूंढना चाहिए इसलिए हम कभी कभी उनको मैराथन में बुक डिब्यूशन में प्राइजेस देते हैं उनको प्राइज देने से लोगों को अच्छा लगता है जरूर हम करेंगे कभी कभी बड़े गुरु जी जी बी सी को लेकर आते हैं उनको बोलते हैं आपके हाथ से कुछ इनको भेंट दीजिए तो उनको लगता है कि हमारे गुरु महाराज के हाथ से प्राइस मिलेगा तो जरूर लोग वितरण करते हैं उनको उसे इंसेंटिव मिल जाता है इस तरह करने के लिए नहीं तो मंदिर में नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं कि इतने भक्तों ने भाग लिया बुक एग्जिबिशन में तो लोगों को अच्छा लगता है कि दे रिक्नाइजिंग द गुड एक्टिविटी तो आप बोलेंगे गलत तो प्रभु जी इस तरह उनको प्रलोभन क्यों दे हम शुद्ध भक्ति करना चाहिए उनको अरे शुरुआत में शुद्ध भक्ति कौन करता सब लोग मिश्रित भक्ति करते करते धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में आएंगे वो हा? इस तरह हमको उनको, उनको प्रोत्साहन देना एनकरेज करना भी इंपॉर्टेंट है दिखाया गया है, कुछ लोग अलग अलग कारण बताकर कुछ बहाना बताकर करते नहीं है सेवा में जुड़ते नहीं है और कुछ लोग अपने आप को सामने डालना चाहते हैं बाकी लोगों को पीछे डालना चाहते हैं तो लेकिन महाप्रभु इसलिए उन्होंने क्या किया सेवा लेने के पहले खुद ही सेवा किया आप देख रहे हैं इधर गुंडीचा मंदिर मार्जन

एक महत्वपूर्ण सुझाव है मैनेजर लोगों को कि अगर कोई वक्त थोड़ा लापरवाही कर रहा है सेवा नहीं दे रहा तो कभी कभी हम उनको बोलते हैं है देखो तुम सेवा नहीं ठीक तरह से कर रहे हो मीटिंग से नहीं आ रहे हो तो तुम्हारा दीक्षा नहीं होगा हा? नहीं तो तुमको कुछ ये नहीं मिलेगा उनमें ऐसे कभी कभी हम बोलते हैं वो अच्छा नहीं है हमें बोलना चाहिए कि देखो प्रभुपा जी भी सेवा किया है प्रभुपा जी खुद कुकिंग करके प्रसाद परोसा है ये देखो फोटो में प्रभु जी को पक्ष सेवा दे रहे हैं इस तरह में बोलना चाहिए उनको उनको महात्मा पुरुषों की उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए उनको देखो कितने वृद्ध लोग भी इस कान में वृद्ध लोग भी सेवा दे रहे हैं ऐसे है तो हम 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 तो तरुण अवस्था में हमको का जरूर करना चाहिए वो बोलेगा हम प्रभु जी आपने मेरे गुरु महाराज का फोटो दिखाया वो सेवा दे रहे हैं हम भी सेवा देंगे हैं? इस तरह उनके अंदर प्रेरणा को जगाना चाहिए मैनेजर का ड्यूटी है अगर आप बोलेंगे सेवा ये करोगे कि नहीं तो बोलेगा नहीं करूंगा बोलेगा मैं बोल रहा हूँ तुमको मैं मैनेजर हूँ करना चाहिए ऐसे बोलने से लोगों को अच्छा नहीं लगता तो लोग बोलेंगे तो फोर्स हो गया फोर्स कर करके अच्छा नहीं लगता उन लोगों को कभी कभी मैनेजरों को बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कुछ फेस्टिवल के समय भक्तों की जरूरत पड़ता है कभी कभी कुछ खास उत्सव है उसमें भक्तों की जरूरत तो कोई आ नहीं रहे हैं सामने अपने आप सब लोग बोल रहे हैं हम बिजी बिजी हैं क्या किया जाए तभी हम थोड़े नाराज हो जाते हैं लेकिन भक्तों को समझना चाहिए कि जी की गुरुओं की गुरुजनों की उदाहरण देकर उनको प्रेरणा देना चाहिए न तथा राजन पू ये ततव आदि विही यथा कृष्ण अर्पित प्राण स्तपुरुष निषेवया तो बताते हैं परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी अगर कोई पापी व्यक्ति एक महात्मा कृष्ण के भक्त की सेवा में लगता हो अपने जीवन को समर्पित कर, कर देता हो हा? उनको तो एकदम शुद्ध हो जाता है और तपस्या करने से ब्रह्मचर्य तपस्या हा? और इत्यादि करने से एक व्यक्ति को उतना शुद्धिकरण नहीं होता है जितना एक शुद्ध भक्त के चरणों में सेवा देने से मैं तो पुनः में भी बोलता हूँ सब भक्तों को देखो मैं कौन हूँ मैं तो एक छोटा मैं मैनेजर हूँ लेकिन आप सेवा दे रहे हो मेरे लिए नहीं आपके गुरु महाराज को सेवा दे रहे हो आप यू आर सर्विंग यूर गुरु यू आर सर्विंग शीला प्रभुपा तो आप सेवा करो और आप भक्ति स्वीकृति लेकर चलो है? ये लाभ आपके लिए है मैं कौन हूँ मैं पोस्टमैन हूँ बीच में मेरा काम है आपके गुरु के हाथ से सेवा लेकर आपको देना और आप सेवा करने के बाद आपके गुरु को रिपोर्ट दे देना कि आपने सेवा किया है तो गुरु भी खुश हो गया कि सेवा हो गया आप भी खुश हो गए कि गुरु ने आशीर्वाद दिया आप दोनों को खुश करना मेरा काम है मैं आपका सेवक हूँ ये भावना मैनेजर को होना चाहिए आई एम ओनली सर्वेंट ऑफ बोध गुरु जी बी सी एंड यू आप भी आपका भी सेवक हूँ जैसे आप लोग <coughs> इस मॉल मीटिंग में आए हो आप लोग मेरा भावना क्या है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं ऐसा नहीं कि बड़ा जीबी सिंह हूँ बड़ा सन्यासी बड़ा गुरु हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए मैं सिखाने के मूड में मैं चाल नहीं किया इसको मेरा सोचना है कि प्रभाज की स्कॉन संस्था बहुत सुंदर संस्था है इसमें आजकल के समय भारत में अनेक डिवोटी लोग अपने समय को देते हुए मैनेजर लीडर बने हैं तो उनको शास्त्रों से कुछ दो शब्द बताया जाए जिससे अगर उनके उनके मैनेजमेंट में लीडरशिप में उनको मदद मिले और उनकी एफिशिएंसी और बढ़ सके तो इसके लिए इस तरह का सेवा किया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए भी अच्छा है और साथ साथ मैं जिस एरियाज में मैं जाने वाला हूँ आगे जाकर औरंगाबाद जैसे औरंगाबाद और सतारा और कोल्हापुर और पुणे अहमदनगर इस एरियाज में मुझे रीजनल सेक्रेटरी का सेवा दिया तो मैंने रेवती को बोला कि पहले लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में जोड़ देना चाहिए ताकि प्रॉब्लम जो लाएंगे मेरे पास वो कम प्रॉब्लम होगा वो क्योंकि प्रॉब्लम आ गए आएगा ही नहीं अभी पुणे में अगर मैं चार महीना भी बाहर जाता हूँ मंदिर में एक भी प्रॉब्लम नहीं सब लोकल डिवर्टीज उसको निपटा लेते हैं आसानी से कभी कभी फ़ोन करेंगे मुझे और भी फोन में भी बोल देंगे भाव जी ऐसा प्रॉब्लम आए हमने सॉल्व कर दिया ऐसे बोलेंगे वो तो पुणे में इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने जोड़ दिया है ट्रेनिंग देकर छोड़ दिया लोग लीडर्स को फील्ड में एकदम बढ़िया चलाते हैं और मुझे भी भजन करने के लिए टाइम मिलता है तो ये भी मेरा एक भावना है इस इस प्रोग्राम में क्योंकि हम इस तरह के प्रशिक्षण का प्रोग्राम करेंगे मेरे लिए भी लाभ मैनेजर लोगों के लिए भी लाभ बाद में जो समस्या आएगा उसको सुलझाने की शक्ति उनमें तब होगा जब शास्त्रों का आश्रय लेकर हमारे गुरुवर्ग का आश्रय लेकर वो लोग अच्छी तरह चलाएंगे अपने ड्यूटी को इसको मन में रखते हुए हमने इसको चालू की ऐसे हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ा लिखा है बहुत मालूम है क्या मालूम है हमको दिव्य ज्ञान तो समुद्र के बराबर है हम सिर्फ एक उसमें से कुछ बूंदों को जानते हैं तो हम तो इसलिए हम लोगों को भी बोलना चाहिए कि अगर हम सेवा देने से हमारे दे हृदय पिघलता है और भगवान प्रभावित हो जाते हैं और भक्तों लोग भी खुश होते हैं हम हमारे हम सेवा देते हुए देख कर जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में प्रभाजी खुद कुकिंग कर रहे हैं और महाराज कुकिंग कर रहे हैं तो और एक दिखाएंगे और एक दिखाएंगे एक मिनट तो अभी और एक टॉपिक तो तो, मैंने बोला उसके बारे में दो शब्द बोलेंगे जो दूसरा टॉपिक था रेस्पेक्ट उसके बारे में हा? तो डू आई सर्व अदर्स और डू आई वांट टू बी सर्वड बाय अदर्स क्या मैं सेवा देना चाहता हूं या तो सेवा लेना चाहता हूं इसके बारे में चर्चा और भी एडिशनल लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे दो तीन लेक्चर उसमें और भी मिलेगा आपको हा? उसके बारे में लेकिन खास करके हमने बोला कि हम लोगों को कोऑर्डिनेटर नहीं तो मैनेजर ग्रुप में रखा रखा गया है ताकि हम भक्तों को साथ में लाकर सेवा में जोड़े हम उसमें सही ढंग से उनको सेवा में जुड़ना जोड़ना चाहिए और उनको शास्त्रों से बताना चाहिए हमेशा बोलना चाहिए देखो चैत्र महापुर ने कुंडीचा मंदिर में खुद ही सेवा की उन्होंने है। इस तरह आप इस तरह देख सकते हैं प्रताप रुद्र राजा खुद ही हाथ में एक झाड़ू लेकर भगवान के रथया यात्रा के समक्ष झाड़ू मारा उसको चैत्र महापुर ने अपने आंखों से देखा तुच्छ सेवा करते हुए खुश हुए महाप्रभु बहुत खुश होकर बाद में उनको कृपा बरसाया इस तरह प्रतापुद्री नहीं महालक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में सम्मी वह बताया गया है ऐसे एक श्लोक में श्री रूपिणी कोणयती चरणारिंदम मुक्त दोषा उपेत उपेतृे वो लक्ष्मी जी भी एक हाथ में घुमा रही है कमल हा? दूसरे अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं अच्छे आभूषण पाना है लेकिन दूसरे हाथ में झाड़ू पकड़कर झाड़ू मार रही है भगवान तो के वैकुंठ धाम तो आईने के बराबर चमक रहा है जमीन ही है ही नहीं उधर <laughs> लेकिन कर रही है विष्णु के मुकार में एक एक उनके चेहरे में एक मुस्कान को देखना चाहती है वो बस अरे लक्ष्मी सेवा दे रही है चैत्र महाप्रभु सेवा दे रहे हैं पुत्र सेवा दे रहा है तो हम लोग इस तरह के उदाहरणों को देकर हम दूसरे भक्तों को प्रेरित कर सकते हैं हम इस तरह प्रेरणा के द्वारा सेवा करवाना चाहिए प्रेरणा के द्वारा प्रेरणा दिए बिना हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से लोगों को देखेंगे और वो भी हमको देखेंगे उससे लोग तृप्त भी नहीं होंगे उनको सुख भी नहीं मिलेगा सेवा में तो सेवा में दिव्यता तब आता है जब हम भगवान को लाते हैं भगवान को बीच में लाने से सेवा में दिव्यता आ जाता है भगवान प्रभुपाद गुरु महाराज इस तरह है तो एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य प्रवचन दे रहे थे अचानक उनको स्मरण आ गया उन्होंने बोला उनके प्रवचन में अनेक आचार्य लोग बैठे थे बड़े बड़े आचार्य सन्यासी और गृहस्थ सब बैठे थे बड़े बड़े लोग सालों साल भक्ति किए उन्होंने बीस साल तीस साल पच्चीस साल ऐसे ऐसे लोग बैठे थे उधर तो प्रवचन देते देते उन्होंने तुरंत बोल दिया प्रवचन में कितना अच्छा होता काश अगर तिरुपति पहाड़ के ऊपर बाड़ा गोविंदा गोविंदा बोलते हैं सात पहाड़ों के स्वामी बालाजी जो हैं बहुत लाखों साल के पहले उनकी पूजा अच्छा होती थी लेकिन अभी उतना बड़ा घना जंगल बन गया उधर कितना अच्छा होता अभी अगर कोई उस बस्ते में जाकर जंगल को काट कर उनके मंदिर को पुनः स्थापित करके उधर एक पुष्करणी बनाकर उस पुष्करणी में कमल को तैयार करके भगवान को रोज हार बनाकर पहना कर, कर श्रृंगार करके पूजा आराधना करके कोई भक्त कर सकता तो कितना अच्छा होता सिर्फ छोटा समस्या है उस जंगल में बाघ है शेर है चीता है सर्प है बिच्छू है ये सब है ये कितना घना जंगल बन गया कोई जा सकता है तो कितना अच्छा होता काश ऐसे बोले और ऑडियंस की ओर मुड़कर देख कर बोला कि आप में से कोई है क्या जो उधर जाने के लिए तैयार हो सब डर गए अरे चीता है बाघ है शेर है बिच्छू है सर्प है कौन जाएगा इतना ही नहीं गुरु महाराज इधर है श्री रंगम में उनको छोड़कर हमको तिरुपति में जाना है तो अकेले एसोसिएशन नहीं मिलेगा हमको संग नहीं मिलेगा हम जाकर क्या कर पाएंगे उधर और घना जंगल को काटना अरे ये हमारे हाथ से हो नहीं पाएगा सब लोग ऐसे सर को झुक रहे थे हैं ऐसे झुक रहे थे उनको डर हो गया कि हमारा आचार्य हाथ उंगली दिखा देंगे हमारी ओर <laughs> तो हम पकड़े जाएंगे कोई अपने सर को भी दिखाना नहीं चाह ऐसे उस समय एक वक्त खड़े हो गए उनका नाम था अनंत आचार्य वो बोले गुरु जी मैं करूंगा आपकी इच्छा की पूर्ति हम करेंगे बोले तब उन्होंने बोला आओ इधर उनको बुलाया आपने पास बिठा लिया बोला कि आठ पिल्लाई बोला आंट मतलब ये असली पुरुष है इसके अंदर ताकत है इसके अंदर साहस है ऐसे बोलकर रामानुजुन ने उनकी प्रशंसा की उनकी इस तरह उन्होंने क्यों उन्होंने सेवा क्यों की एक चीज तो गुरु की खुशी के लिए साथ साथ उन्होंने भगवान के बारे में वर्णन किया बालाजी की महत्ता को सुना उन्होंने इस तरह हम लोग भी सेवा देते समय कुछ दिव्य विषयों के बारे में लोगों को बताना चाहिए जिससे वो लोगों को प्रेरणा मिलेगा उनको क्योंकि मैंने पहले से आपको बोला कि सब लोग वॉलंटरी सेवा दे रहे हैं कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए कंपनी में इसको कैरेट एंड द स्टिक बोलते हैं कंपनी में कंपनी में वो कैरेट डांगल करते हैं कैरेट का मतलब अरे तुम ये करोगे तो ये मिलेगा तुमको अगर वो तुम नहीं करोगे तो पीछे स्टिक स्टिक से पीछे मारना पट पट करके है चलो चलो आगे चलो नहीं तो तुमको निकाल देंगे कंपनी से इस तरह डराते हैं तो पीछे भी मारते हैं सामने भी कैरेट एक काजर लटका देते हैं लेकिन ये सब कंपनी में चलता है इस कान में नहीं चल सकता इस कान में कुछ हम भेंट पुरस्कार इत्यादि दे सकते हैं लेकिन लोगों को थोड़ा जोर से बोल देंगे तो उपास सेवा छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए वेतन कुछ नहीं दे रहे हैं हम सोचना है चाहिए इसलिए भक्तों की ये इसलिए अगले पॉइंट हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम भक्तों के साथ कैसे पेश आना चाहिए कैसे उनके हमारे दृष्टिकोण हमारी नजर उनकी ओर होना चाहिए वो भी समझना आवश्यक है आदर पूर्वक हमें देखना चाहिए भक्तों को तो इसके द्वारा ही हम सही ढंग से सेवा देने में सेवा लेने में हम ये कर सकते पुना में रेवती प्रभु बहुत मशहूर हैं इसके लिए वो सब भक्तों को इतना आदर देते हैं वो कांग्रेगेशन हो माता जी हो ब्रह्मचारी हो जूनियर भक्त भी क्यों ना हो सबको इतना आदर देते हैं इसलिए उनके पास एक सी एस बी करके कांग्रेगेशन सर्विस बोर्ड है जब वो रेवती प्रभु अनाउंस करते हैं लोग भागते हुए आते हैं मैं पूछता हूँ लोगों को आप क्यों इतना सेवा के लिए इतना आतुरता है आप लोग भागते हुए आते हैं वो बोलते हैं पूछे रेवती सेवा दे रहे हैं उनके हाथ से सेवा लेने में सेवा सेवा लेकर अनेक लोग करने करने के लिए बहुत उनका आनंद होता है क्योंकि भक्त के व्यवहार से लोगों के अंदर प्रेरणा प्राप्त होता है उनको हम किस तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं तो हम खुद भी लापरवाही नहीं होना चाहिए सेवा देना चाहिए जिम्मेदारी लेना चाहिए हमको हमारी ओर से और साथ साथ सेवा देने देते समय भी सही भावना होनी चाहिए और अभी इसलिए दूसरा पॉइंट आदर के बारे में हम बोलेंगे ब्लेंड पैशन विद इधर देखिए अगर कोई प्रचार इधर प्रचार कर रहा है कभी कभी बहुत ज्यादा प्रचार में फोर्स्ड अहंकार के साथ कोई प्रचार करता है तो लोग भाग जाएंगे हु? ये दिखाया गया इधर लेकिन असली वैष्णव जो होता है वो कृपाल होता है कंपैशनेट होता है ऐसे बताते हैं तो पहला उदाहरण दिया है प्रभुपात जी का कैसे उन्होंने बैक टू गार्डेड छापा ये पूरे संस्था को कैसे चालू किया उन्होंने बैक टू गार्डेड से चालू किया ऐसे खुद ही जाते थे प्रिंटिंग प्रेस में छापते थे अनेक लोग वैष्णव के त्याग भावना को देख कर आंसू बहाते हैं अनेक लोग बोलते हैं कि अरे ये वैष्णव देखो कितना कसरत कर रहा है हम भी कुछ मदद करें इसको इस तरह सोचकर लोग सामने आते हैं इसलिए भक्त को दूसरों के साथ दूसरों को प्रेरणा देना चाहे अपने व्यवहार से दूसरा पिक्चर में दिखाया है शिवि चक्रवर्ती की ऐसे एक आदर्श राजा था वो वो जु में अपने मानस को आप जानते हो इस कहानी को एक चील एक कबूतर के पीछे उड़ते हुए आया कबूतर राष्ट्र लिया उनके राजा की राजा ने कबूतर को बचाने के लिए वचन दिया उस समय चील ने बोला अरे मैं भी तुम्हारे प्रजा हूँ मुझे तो भूख लग रहा है ना खाने के लिए मुझे कुछ देना चाहिए तुमको तो बोला कि मैं कबूतर को मत मारो मैं मेरे शरीर से मांस दे दूंगा तो काट काट कर दे रहा है वो था में रखकर लेकिन कबूतर इतना मोटा था बार भारी था वो अंत में खुद ही बैठ गया था में बोला कि इतना भारी हो उस समय कबूतर और चील सब देवी देवता बन गए जैसे इंद्र चंद्र ऐसे बोलो बोले तुम कार्य परीक्षा लेने के लिए आए मतलब क्या है ये ऐसा लीडर है जो अपने आप को देने के लिए तैयार है वो अपनी प्रजा के लिए प्रजा नाम पितृ अच्छा रहा। ऐसे पृथ्वी महाराज के बारे में बोला गया है प्रजा को जिस तरह पिताजी अपने बच्चों को देखता है इस तरह ही एक लीडर को अपने लोगों को देखना चाहिए एक कृपा दृष्टि से देखना चाहिए कृपा के नजर से देखना चाहिए ऐसे बताया गया है वी शुड सी विद द आई ऑफ अप्रिसिएशन आई ऑफ रेस्पेक्ट और आई ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता जो भी वो सेवा दे रहे हैं लोग उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करना आदर प्रकट करना ऐसे बताया गया जैसे नित्यान प्रदर दिया उधर ठीक है प्राउड प्राउडर ड्राइव पीपल अवे ऐसा बताया गया एक अगर कोई इधर यही पॉइंट बताया गया है, है? अभी मैनेजमेंट में ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया मैंने वो नाराज हुए बोला मैंने पहले आपको इनसे चतुष कुमारों से ये नई बात नहीं है आप देखेंगे जब प्रचेत लोग ध्यान तपस्या करके बाद में जंगल से वापस लौट आए देखा कि सारी दुनिया में इतने पेड़ बढ़ गए हैं तो नाराज हो गए कि अरे इतने पेड़ पूरा बड़ा बड़ा पेड़ सारे दुनिया को घेर लिया तो किधर जमीन है कैसे हम शासन करेंगे आसे बोलकर अपने आंखों से आग को निकाला उन्होंने आग निकाल कर पूरा सब पेड़ों को जलाकर राख बनाने लगे इतने में पेड़ के जो देवता है वो डर गया वो ब्रह्मा जी के पास शिकायत किया अगर प्रचेत लोग सब पेड़ों को नाश कर देंगे इस तो दुनिया में जीव रशन कैसे रख पाएंगे तब तो ब्रह्मा जी आए सामने बोले कि पहे प्रचेत हो आप क्रोध को बंद कर दो ठीक है थोड़ा पेड़ ज्यादा बढ़ गए आपने थोड़ा जला कर राख बना दिया नो no प्रॉब्लम लेकिन बाकी पेड़ों की जरूरत है इस दुनिया में इसलिए पेड़, पेड़ पेड़ों की जो अधिपति है देवता उनकी बेटी तो प्रमलोचा थी उनको प्रदान किया प्रचेतों ने उनके विवाह की है ना तो बोलने का मतलब क्या है कभी कभी हम आ, क्रोध के वश में आ सकते हैं ऐसे ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को देखने के बाद भी जब वापस लौट आए उनके राजमहल में उत्तम उनके ममेरा भाई था ना उसको यक्षो यक्ष ने मार दिया तो इसलिए सारे यक्षों के ऊपर बहुत उत्तेजित हुए वो तो युद्ध करने के लिए गए यक्षों को एक सबक सिखाने के लिए ऐसे मारा ऐसे मारा हजारों यक्षों को मार दिया उन्होंने वो लोग डर डर के मारे सब लोग अलकापुरी में घुस गया उनके स्थान में तो ये भी अलकापुर के अंदर चले गए बोले कि मैं भी अंदर आ रहा हूँ अभी आपके पीछे पीछे एक भी अक्षर को छोड़ूंगा नहीं इस दुनिया में सबका सर्वनाश कर दूंगा ऐसे बोलते हुए उस समय स्वामी भाव आए आकर उनको शांताम थे भद्रद्रुव तुम शांत हो जाओ बेटा तुमने भगवान विष्णु की दर्शन प्राप्त किया है तुमको वैकुंठ लोग प्राप्त हुआ है और सारी दुनिया के देव देवता ने फूल की वर्षा की तुम्हारे ऊपर तुम महान भक्त हो और ये शोभा नहीं देता कि तुम इस तरह क्रोध के वश में आ रहे हो ये हम लोगों के लिए सीखने लायक चीज है हम लोग भी तिलक पहनते हैं कंठे माला पहनते हैं भक्त की वेशभूष भक्त जैसे अगर बर्ताव नहीं करते हैं तो ये श्लोकों को पढ़ना चाहिए हमको हम्म हम सीख लेना चाहिए अपने आप को और इस तरह उन्होंने बताकर उन्होंने बोला कि तुम शांत हो जाओ क्योंकि एक ये एक यक्ष ने गलती क्या करके सब यक्षों को मत मारो जाकर माफी मांगो इनके पास जाकर कुबेर के पास जाकर तो ऐसे बोले तुरंत ने मान लिया तो इस तरह हम देखते हैं हम प्रचार में भी आ, बोलते हैं आ, मैनेजर लीडर का मतलब है सिर्फ हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं कभी हम प्रचार भी करते हैं प्रपति ने बोला प्रचार कैसे किया जाता है एक घोड़े को अगर दवाई खिलाना हो तो प्रपति ने बोला उसके लिए पांच लोगों की जरूरत है एक व्यक्ति चार लोग चार पाँव पकड़ेंगे और पांचवा व्यक्ति मुख को लेगा उसके बाद डॉक्टर दवाई डालेंगे अंदर ऐसे <laughs> बोले प्रभाजी इस तरह के लोगों को प्रचार करने के लिए एक प्रचार की जरूरत है एक कुक की जरूरत है जो कुकिंग करेगा हां। कोई मेंटर की जरूरत है उसको जो गाइडेंस देगा उसको फॉलोअप के लिए कोई चाहिए तो हम देखते हैं कि इसलिए लोगों को लाना मुश्किल है इसलिए उनके साथ सही ढंग से डीलिंग करना चाहिए ये बताते हैं ये बताते हैं इधर ये पॉइंट में प्रचार में ऐसा नहीं कि हम सब हम ही कारण हैं रिजल्ट के लिए अनेक लोग जुड़े हैं प्रचार में हैं जैसे कोई वन टाइम प्रोग्राम देता है कोई सेवन डे कोर्स देता है तो कभी कभी मंदिर में आकर अलग अलग भक्तों को मिलकर प्रेरणा लेकर एक भक्त भक्ति में जुड़ जाता है ये पॉइंट बताया गया इधर इसलिए हम बोलते हैं ऑल ग्लोरिज असम्बल टू वोटीज ऑल ग्लोजी गुरु एन गौरंग बोलते हैं ना ऐसे भक्तों को आदर दो और उनको एनकरेज करो अभी रेस्पेक्ट जो शब्द है उसको अलग अलग तरीके से हम समझाएंगे अलग अलग पिक्चर्स के द्वारा हु? 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 करेक्ट तो प्रभा जी एनकरेज कर रहे हैं मुकुंद और जाने की वो परिवार को ऐसे प्रभा बोल रहे हैं उनको तुम तो ये एक सेंटर चालू करोगे वो उधर सैन फ्रांसिस्को में बहुत बढ़िया सेवा होगा तुम कर पाओगे यू हैव मेनी फ्रेंड्स देखिए हर एक भक्त को इसे प्रोत्साहन देकर भक्ति में आगे बढ़ाए एक बार एक मंदिर में आए बगीचे में एक व्यक्ति काम कर रहा था माली प्रभाजी ने बगीचे को देखा रंग बिरंगे फूलतेपा जी एक क्षण के लिए कड़े हुए उधर तो माली भागते हुए आया दंड प्रणाम किया मुस्कुराते हुए इसे हाथ जोड़कर पापा जी को हरे कृष्ण किया तो प्रभाजी ने पूछा उन तुम्हारा नाम क्या है तो अपना नाम बोला दीक्षित नाम और ने बोला प्रभा जी मैं आपका ही शिष्य हूँ मैं इधर माली की माली होकर मैं फूल बनाता हूँ ये मेरा सेवा है मंदिर में सेवा दिया मुझे बोले वेरी गुड प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर द डेटीज एंड ऑलवेज ऑफर फ्लावर्स टू कृष्णा यू विल गो बैक टू गॉड प्रभाज ने बोला कि हर दिन भगवान के लिए फूल बनाकर चढ़ाओ तुम भगवत नाम लौट जाओगे इतना ही बोला जी अभी भी वो पिछले चालीस साल से कर रहा है वो फूल बोलते प्रभाजी ने आदेश दिया मुझे अभी भी तो ये से मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हाई ऐसे बताया गया है तो प्रुपा जी उनको ही नहीं सब लोगों को प्रेरणा देते उनके लेटर्स पढ़िए आप के लेटर्स कितने एनकरेज करते हैं प्रभुपा जी मुकुंद महाराज को ही नहीं तमलक्ष महाराज को सचिप्रसा महाराज को ऐसे अनेक लेटर्स में पढ़ते हैं हम या इधर बताते हैं कि हम लोग फिलॉसफी को किस तरह लोगों को सिखाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग शुरुआत में पूर्ण रूप समर्पित होकर भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है धीरे धीरे वो पकड़ेंगे उसके लिए समय लगता है ने भी देखा शुरुआत के दिनों में खुद ही कुकिंग किया खुद ही सर्विंग किया खुद ही प्लेट धोया उनकी जो आते थे लोग कुछ नहीं मदद नहीं करते थे बाद में मदद चालू हुआ उनको थोड़े गंभीर बनने के बाद हम्म तो इस तरह आप हाँ देखेंगे या ये आदर के बारे में बता रहा था आपको इधर देखिए एक चीज मैनेजर को सीखना चाहिए ये उंगली दिखाना अच्छा नहीं है किसी को क्योंकि अगर आपको सब भक्तों को प्रेरणा देना हो तो उंगली दिखाने से काम नहीं होता है तुमने किया ऐसे तो हमें देखना चाहिए कि एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ एक उदाहरण बताएंगे हम हा? हम लोग सोचना चाहिए कि हम सब लोग साथ में जुड़कर इस मंदिर को चला रहे हैं इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं ठीक है कुछ गलती हो गया तो ज्यादा बात मत करो उसके बारे में बाद में देखो क्या किया जाए लेकिन अभी के लिए कभी कभी इस दुनिया ऐसे दुनिया है कुछ दुर्घटना होते ही है इस दुनिया में अभाग्यवश उसके लिए कोई निमित्त हो सकता है कोई लेकिन अगर हो गया हम जो व्यक्ति के द्वारा वो हुआ वो ऑलरेडी वो दुखित है उसको उंगली दिखाने से वो और दुखित हो जाता है वो और उसको डर भी होता है कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे ऐसे ऐसे उनको लगता है कभी कभी एक भक्त को आपने बोला कुछ लेके आने के लिए है? मार्केट से वो लेके आया गेटी रूम के लिए ले लेके आया तो कुछ लेकिन वो फेस्टिवल के दिन देखा कि जो लेके आया वो उसमें कुछ कोट था उसमें कुछ प्रॉब्लम था उसमें तो सब लोग पूछेंगे अरे किसने लाया ऐसे सामान लाया है ऐसे जैसे कुछ लाइटिंग लगाना चाहते हैं आप वो लाइटिंग लेके आया है वो टूटा है वो हाँ तो लोग बोलेंगे अरे कौन हम मोर्क लेके आते समय देखना चाहिए टूटा फूटा लेके आया है आज फेस्टिवल है कैसे हम लाइट लगाएंगे तो हमें मैनेजर होंगे तो हमें अगर हम बोलेंगे मालूम है कौन लेके आया उस बुद्ध को बोला ऐसे उसने लेके आया ऐसा अगर हम बोलेंगे हाँ? तो बाद में सब लोग उसको पकड़ेंगे बाद में वो कभी नहीं करेगा सेवा वो इसलिए पहला चीज बताया गया है आदत देने का मतलब है अननेसेरली उंगली में नहीं दिखाना है ठीक है जो हो गया भूल जाओ आगे देखो वो एक बात बताया है ये दूसरा पॉइंट बताया गया है बरिंग आवर फॉल्ट बाय पॉइंटिंग आउट अदर्स फॉल्ट ये भी अच्छा नहीं है कभी कभी हमसे भी गलती होता है हम मैनेजर होते हैं लीडर होते हैं हमसे भी गलती होता है कभी हम अपनी गलती को ना मानकर दूसरे गलती को बताएंगे तो उससे लोग अच्छा नहीं लगता उनको लोगों को वो बोलेंगे ये सीनियर है अपने गलती को मानते नहीं हम जूनियर हैं इसलिए हमको मानना पड़ता है ऐसे लोग बोलेंगे इसके लिए हमें नम्रता की जरूरत पड़ता है हा? कभी कभी हम लोग बो, मान लेते हैं कि हाँ मेरा गलत जैसे राहुगुण ने मान लिया हा? उस लीला में नीचे उतर गया और जड़बरत की पांव पकड़ा हा? इस तरह इंद्र ने वजवासियों को तंग किया था पहले लेकिन बाद में आकर भगवान की श्रीचरण को पकड़ा माफी मांगा उसने इस तरह देखते हैं कि भक्तों में आदत होना चाहिए कि हम कुछ गलती हो गया तो हम भी मानते हैं सिर्फ दूसरों के ऊपर नहीं आरोप लगाते हैं इसे। और एक पॉइंट बताया गया इधर गिविंग पीपल स्पेस इंस्पायर ओनली आफ्टर बिल्डिंग रिलेशनशिप एक वो एक उदाहरण देंगे शिल्पा प्पा जी जब भारत में आए उनके साथ दो लोग आए अच्युतानंद प्रभु और रामानुजम दो लोग आए उनके शिष्य प्रभाजी ने देखा कि अच्युतानंद प्रभु जो हैं वो आ, सही भक्त थे वो दीक्षित भक्त थे रामानुजम को भी दीक्षा दिया था प्रभाजी ने लेकिन रामानुजम दाढ़ी रखता था वो लंबा दाढ़ी लंबा मूंच लंबा बाल भी रखता था कोई मायावादी सन्यासी जैसे प्रभाजी को अच्छा नहीं लगा एक दिन अच्छुतान को बुलाया प्रभाजी ने तुम्हारे मित्र आया है हमारे साथ वो क्यों इतना बाल बढ़ाता है तुम बोलता नहीं उसको निकालने के लिए ऐसे प्रभाजी ने पूछा उसको वो बोला नहीं प्रभा जी मैं बोला वो सुनता नहीं क्या किया जाए ऐसे बोला वो ठीक है तो और एक दिन एक हफ्ते के बाद प्रभाज ने क्या किया एक बैक रिकॉर्डेड मैगजीन था उस मैगजीन को खोल कर रामानुजम को बुलाया दिखाया देखो ये दिख रहा है ना क्या दिख रहा है तुमको प्रभाजी हरिदास ठाकुर की लीला है यो वेश्या की उद्धार किया उन्होंने हाँ पपा जी पूछा किसे तुमने क्या सीखा देखो वेश्या ने मुंडन कर लिया पूरा उन्होंने बाल का मुंडन कर लिया ऐसे बोला ने बोला ठीक है तुमने क्या सीखा बताओ वो पूछा प्रभाजी आपको लग रहा है ना मैं बाल बहुत बड़ा आया हूँ अगर आपकी चाहो तो मैं भी निकाल दूंगा उसको बोला प्रभु जी बोला हाँ करो अच्छा है <laughs> तो गया वो तुरंत शेविंग किया अच्छा शेविंग किया ये बाल भी निकाल दिया मुस्ताज बैठ सब निकाल दिया प्रभाजी ने अप्रिशिएट किया उसका बहुत अच्छा दिख रहा हो तुम अभी लाइक वैकुंठवासी ना लेकिन और दो हफ्ते के बाद वापस बाल बढ़ाने लगा वो ने बोला आगे जाकर मैं ऐसे आसानी से दीक्षा नहीं दूंगा इन लोगों को ऐसे <laughs> बोले मतलब क्या है प्रोपा जी ऐसे मालूम था उनको कि कौन मेरे करेक्शन को ले सकता है उसको ही दूंगा करेक्शन नहीं ले सकता कोई तो उसको नहीं दूंगा ऐसे इस तरह उनके स्तर के अनुसार वो देते थे ऐसे इधर बताते हैं कि अच्छे क्वालिटीज को बताने से लोगों से अच्छा रिजल्ट निकलता है वो पॉइंट बताते हैं ये बताते हैं कि इधर एक पॉइंट है मोस्ट ऑफ एस बिकॉज़ बी वर ट्रीटेड नाइसली अभी इधर आए हुए असेंबली में आज के सत्र में अगर आपको पूछूंगा आप लोग कैसे भक्त बने हम दो भक्तों से सुनेंगे कोई दो भक्त बताएंगे आप, आपका प्रेरणा क्या रहा आप कैसे आप भक्ति में जुड़े आप कोई बता सकते हैं आपका मूलभूत प्रेरणा क्या रहा भक्ति में गंभीर बनने के लिए एक हाथ ऊपर किया उन्होंने दो लोगों ने हाथ ऊपर किया बोलिए बोलिए आपने uh, yes, yes, okay. um, so, बहुत, -बहुत, है, बहुत अच्छा आज का टॉपिक लिया हर टॉपिक की तरह um, तो जी मेरा उदाहरण जो मैंने सॉरी मेरा इंस्पिरेशन पेड़ना जो रहा वो मूलभूत रूप से दो जगह से आया एक मैंने आ, हमारे श्रीमान ललित माधव प्रभु की प्रेरणा से आ, हमारे सेकंड सेमेस्टर में कॉलेज में हमने प्रभुपाल जी की लीलामृत पढ़ी थी तो प्रभुपाल जी की लीलामृत पढ़ने के बाद कुछ जैसे कि कुछ और करने लायक दिखाई नहीं दुनिया में प्रभुपाद जी का चरित्र ऐसा है और उनके गुण ऐसे हैं उनकी अनुकंपा कैसी है उनका डेडिकेशन कैसा है तो वो देख के ऐसा लगा कि बस सबसे अच्छा है कि इन्हीं की सेवा करूँ hmm. तो दूसरी प्रेरणा चरित्र से कि आप आपको, आप आपको देखा कि प्रभुपाद जी के बहुत ही अच्छे कई प्रिय hmm. सेवकों में एक सेवक हैं। तो हमको लगा कि आपको असिस्ट करते हैं तो ये दो उदाहरण हरे कृष्ण थैंक यू हरे कृष्ण और कोई थैंक यू तो प्रभुपा जी की लीलामृत पढ़ने से भक्तों को पता चल जाता है कि प्रभुपात जी ने कितना प्रभुपात जी ने प्रयत्न किया है लोगों को आंसू आ जाता है उनकी आंखों में पढ़ने से तो लगता है कि इस व्यक्ति के लिए मुझे कुछ करना चाहिए इसे. तो अगर सर प्रेरणा लेते हैं और कोई सुबुद्धि हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा बोलिए प्रभु धन्यवाद प्रभु जी इतना तो सुंदर आप इस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं जैसे आपने कहा आ, मेरा पहला इंटरक्शन संस्था के साथ जब मैं बीडीएस में आ, थर्ड ईयर में था तो उस समय आ, राधा गोपीनाथ मंदिर की एक बस पार्टी जिसमें मुझे याद है वृंदावन किशोर प्रभु गोविंद प्रभु और फिर बाकी डिओटीज के नाम मुझे अभी इतना याद नहीं है लेकिन ये दो प्रोमिनेंटली थे और वृंदावन किशोर प्रभु ने मुझे कृष्णा सेट 1998 में उन्होंने कृष्णा सेट जिसमें दो बुक्स थे वो दिए और उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए फिर उन्होंने कहा कि आप लोग हम आज यहाँ रुके हुए हैं तो आप हम हमें आकर मिल सकते हो आ, हमारे गोविंद प्रभु है जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो तो एक छोटे से फ्लैट में सारे डीओटी बस पार्टी के रुके हुए थे और बीइंग डेंटल स्टूडेंट मैं ऐसे उन्हें मिलने के लिए चला गया बींगे गोविंद प्रभु हैड प्रिपेयर्ड आलू पराठा <laughs> गोविंद आलू पराठा स्वयं उन्होंने बनाए थे और वहां जाने के बाद इंटरेक्शंस तो दूर की बात मैं सोचा कि ये इतने श्रेष्ठ भक्त इतने, 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 इतने बड़े साधु है और ये खुद एक आलू पराठा बनाकर मुझे खिला रहे हैं सो द फर्स्ट प्रसादम आई गॉड इन इसको आलू पराठा तो वो जो उनका इंटरक्शन लविंग इंटरक्शन था दैट अट्रेक्टेड मी लॉट और फिर uh, ऐसे लगा कि नहीं दीज आर जेन्यून पीपल आई कैन ओपन अप टू देम एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम

と मैंने उन उन उन्होंने मुझे पर्सनल टाइम दिया दस पंद्रह मिनट मतलब उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं कैसे मतलब आगे ग्रो कर सकता हूँ स्पिरिचुअलिटी में और जैसे अभी लास्ट जो प्रभु जी थे उन्होंने बताया वैसे ही उन्होंने मुझे वहाँ पे टेंपल में महाप्रसादम भी ऑफर किया मतलब औ, औ, मतलब महाप्रसादम भी मुझे दिया खाने के लिए जिस वजह से मतलब मतलब इतना अंदर से चेंजेस लगे उसके बाद मैंने चैंटिंग चालू कर दिया और मतलब चैंटिंग करता हूँ प्रभु जी लास्ट सिक्स सेवन मंथ्स में मतलब मैंने चैंटिंग कर लिया और सिक्सटीन राउंड उनके ब्लेसिंग्स के, के वजह से मतलब सब हो गया वेरी गुड हरी बोल तो आप लोग देखेंगे इस तरह अलग अलग भक्तों के कहा कथा सुनेंगे आप उन भक्तों को किसी भक्त के साथ मुलाकात हुआ है और उस भक्त के व्यवहार का असर पड़ा है उनके ऊपर या तो उन्होंने देखा कि भक्त जो है बहुत शरणागत है नहीं तो भक्त बहुत त्याग भावना है उनमें नहीं तो भक्त बहुत प्रेम प्रेम के साथ व्यवहार किया उन्होंने तो भक्तों ने कुछ प्रसाद खिलाया तो भक्तों की जीवन की शैली इत्यादि देख कर लोगों लोगों के ऊपर प्रभाव असर पड़ा आप देख सकते हैं इधर देखिए पिक्चर मेंहरसन बैठे हैं तो जहाज बाद में उन्होंने बोला कि मैं खास इसकॉन संस्था में आकर्षित हुआ भक्तों की जीवन शैली देखकर भक्त लोग इतने खास करके यमुना माता जी जो केतन गाते थे वो और श्याम सुंदर प्रभु इन लोगों से बड़ा प्रभाव असर पड़ा उनके ऊपर वो श्याम सुंदर के बहुत निकट मित्र बने वो जॉर्ज हेरिसन उसके कारण वो इस्कॉन के भक्तों के साथ जुड़ गए और जी के इच्छा के अनुसार उन्होंने अनेक तरीके से प्रचार काम में मदद की उन्होंने इस तरह इस तरह क्योंकि भक्त लोगों लोग सारे लेते सब लोगों को आदर देते थे प्रेम से डीलिंग करते थे उसका असर पड़ा बहुत तो इधर भी आप देखते हैं ये ये आदत किधर से आता है भक्तों में ये कृष्ण से ही आता है देखिए इधर कृष्ण सुदामा को कैसे डीलिंग किया उन्होंने इस तरह तो इस तरह जी बच्चों को भी शिष्यों को भी आई किस तरह डीलिंग करते इसको देख कर इसका असर पड़ता है जिस तरह आप ऊपर देख रहे हैं पिक्चर में पौधा जो है उसको पानी का सिंचन करना उसको धीरे धीरे बढ़ाना उसके बाद फूल फल इत्यादि आता है इस तरह हमारी कोमल भक्ति जो है उसके सिंचन के लिए भी भक्तों के समूह में व्यवहार जिस तरह होता है उसके अनुसार ही लोग आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि अनेक बार ऐसे होता है कि लोग आ, कुछ मंदिर में जाते हैं लोग बोलते हैं कि वो प्रभु जी ये यह मंदिर में लोग ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं जा हम जाएंगे उधर ऐसे लोग कभी कभी बोलते हैं आपने देखा होगा लेकिन अगर कुछ मंदिर में जाते हैं कुछ अच्छा व्यवहार किया किसी ने इसलिए ने बोला माय फॉलोअर्स आर ऑल परफेक्ट जेंटलमैन ऐसे बोले प्रभाजी एकदम सज्जन होते हैं मेरे भक्त ऐसे जी ने बोला प्रभाजी खुद ही ऐसे व्यवहार करते थे जब गिरिराज स्वामी जो, जो, जोन गिरिराज महाराज के पिताजी माता जी आए थे जी को मिलाने के लिए लेके आए थे जो गिरिराज महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे गिरिराज महाराज प्रभा ने देखा कि उनकी माँ रो रही थी फूट फूट कर ऐसे रो रही थी करो कर। रही परिवार से आया है मेरा बेटा वो इधर रहता आप लोगों के पास रहता वो क्या कहेगा बेचारा ऐसे वो रो रही है तो प्रपा हंस पड़े तुरंत बोले रसगुल्ला लेके आओ तो किसी भक्त ने एक दर्जन रसगुल्ला लेके आया तो गिरिराज महाराज को दो चार दिया हाथ में प्रपा ने बोला की रोज गिरिराज को इस तरह गिलाओ रसगुल्ला खिलाओ हम ऐसे ही खिलाते हैं हमारे को ऐसे बोले प्रपा जी तब तो उनकी माँ देख रही थी माँ को भी एक दिया रसगुल्ला हाथ में आप भी खाओ लेकिन वो ले नहीं रही थी वो ने बोला इसमें बहुत प्रोटीन प्रोटीन है इसमें ऐसे बोला उन्होंने वो प्रोटीन नाम सुनते ही उन्होंने तुरंत ले लिया क्योंकि अमेरिका में लोग देखते हैं कंटेंट क्या है वो तुरंत ले लिया उन्होंने खाकर देखा उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनको तो पिताजी को भी दिया माता को भी दिया वो लोग खुश हो गए हमारा बच-, बेटा अच्छा कर रहा है इधर ऐसे तो ने उनके पिताजी को पिता बोला कि आप बड़े बुद्धिमान हो बोला उन्होंने तो उनके पिताजी ने पूछा क्यों आप बोल रहे हैं मेरे बुद्धिमान हो मैं बुद्धिमान नहीं हूँ आप बुद्धिमान हो ऐसे उनके पिताजी बोले प्रभाजी बोले नहीं नहीं आप बुद्धिमान होना चाहिए नहीं तो आप गिरिराज जैसे बेटे को कैसे आपने पैदा किया जैसे आम के पेड़ में ही आम मिलते हैं ना इस तरह आप तो जरूर बुद्धिमान होना चाहिए इसलिए आपका बेटा बना गिरिराज तब उनके पिताजी ने बोला नहीं 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 आप बड़े बुद्धिमान हो जी को बोला प्रभा जी बुद्धिमान हूँ नहीं तो गिरिराज जैसे लड़के को मैं आकर्षित कैसे कर पाया मैं ऐसे बोले भगवान की भेंट है ऐसे जी बोले तो पिताजी बहुत खुश हो गए उनके व्यवहार से हम्म तो बाद में प्रभाज ने बोला गिरिराज स्वामी महाराज को तुम माता पिता के साथ रहो एक हफ्ते के लिए रहो जाकर हम्म तो वो शांत हो वो जाएंगे तो उनके साथ गए ये रहे तो जाते समय पिताजी बहुत खुश हुए हैं तो को बोला उनके पिताजी ने तुम्हारे गुरु बड़े बुद्धिमान है बहुत श्रेष्ठ आदमी है वो सब लोगों को किस तरह डीलिंग करना है उनको मालूम है तो जी से हमें सीखना चाहिए क्योंकि आप देखेंगे कि भक्त जो होता है Uh, to be not arrogant, but uh, दो शब्द है उसको अपने मतों को पुष्ट नहीं करना चाहिए दूसरों का भी सुनना चाहिए uh, इसलिए अमानित्व तो, मदम्बित्व अहिंसा तो, क्षांतिजव पहला शब्द क्या बोलते हैं भगवान ज्ञान के बारे में अमानित्व तो बोलते हैं सर्वप्रथम है। इस तरह आप देखेंगे चैत्र महाप्रु इतने महान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हम लोगों को एक बूढ़ी नारी एक पांव रखा उन्होंने गरुड़ के ऊपर एक पांव रखा महाप्रभु के कंधे के ऊपर तो गोविंद चिल्ला रहा था हे hey, बूढ़ी उतर जाओ तुम अपराध कर रहे हो भगवान को भी और भक्त को भी दोनों को ऐसे बोला उसने भगवान चैतन महाप्रभ को और भगवान के महान भक्त गरुड जी को भी तो वहां पर बोले मैं गोविंदा देखो इस ओडिशा के वो बूढ़ी नारी जो थी उसके अंदर कितना आतुरता है जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए हा? अगर मेरे अंदर लेश मात्र भी इस तरह का आतुरता मिल जाए तो कितना अच्छा होता है इसका मतलब है वो उनसे बहुत कनिष्ठ लोगों से भी प्रेरणा ले रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हा? इस तरह जब भक्त लोग आकर बोले महाप्रभु को देखिए बोल रहा है कि वो आपको सिखाएगा वेदांत तो हम लोग नाराज हो गए महाप्रभु बोले कि आप नाराज क्यों होते हो वो तो मेरे पिताजी जैसे उनका फीलिंग है भावना है इसलिए जैसे पिताजी प्रेम से अपने बेटे को सुरक्षा प्रदान करना चाहेगा इस तरह भट्टाचार्य मुझे चर्चा प्रदान करना चाहते हैं क्योंकि मैं तरुण सन्यासी हूँ आप लोग उनको क्यों कोसते ऐसे महाप्रभु मतलब महाप्रभु का सोच विचार ही अलग है उनका तो सीखने लायक है एक बार जब ये लीला हुई थी नित्यानंद प्रभु ने लात मारा था इनको शिवानंद से इनको प्रेम से तब उनके एक कोई तो बहनो ही था उनके तो श्रीकांत नाम का उसने देख लिया लेकिन वो उन मन ही मन वो अपराध भावना उठा उसके मन में नितानपुर ने ऐसे क्यों किया करके बाद में जब गंभीर में आया वो सही ढंग से नमस्कार नहीं किया महाप्रभु को ऐसे कपड़े ये जो होता है अंग वस्त्र होता है उसको ऐसे पहनना होता है सही ढंग से किया नहीं नमस्कार तो गोविंद उनको करेक्शन करने के लिए गया महाप्रभुरा करेक्शन मत दो अभी उसका मूड अच्छा नहीं है ना? छोड़ दो उसको ऐसे बोले महाप्रभु मतलब पर प्रभु मनोभावना जानकर व्यवहार करते हैं डीलिंग करते हैं लोगों के साथ हम्म अलग अलग व्यक्ति की क्या क्या मनोभावना है ये देखकर तो ये सीखने लायक है महाप्रभु से और एक उदाहरण देंगे नहीं इसके पहले और एक इसके पहले एक मिनट खास करके माताओं के साथ डीलिंग करने के बारे में एक बोलना पड़ेगा हम को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस माया तो एक एक बार एक बार ऐसा सत्य बताऊंगा आपको एक बार यात्रा में सब माताओं को नहाने के लिए एक एक तालाब था ऐसे उसमें नहाने के लिए गई थी होली सम होली प्लेस में दिवेदाम में वो माता चालीस पचास माताएं होंगी वो यात्रा में आई थी तो आ यात्रा के ऑर्गेनाइजर ने क्या किया दो वानप्रस्थ भक्तों को पकड़ा उन्होंने बोला कि हे चलो आप लोग उसी एरिया में रहो माताएं जब नहा धोकर आएगी बाहर तो शाम का समय संध्या काल अभी सूर्य का अस्तमन हो रहा है थोड़ा अंधेरा छा रहा है अंधेरा छा गया है आसमान में इसलिए बहुत अंधेरे में माताओं का अकेले नहीं आना चाहिए तो आप लोग उनको सुरक्षा के लिए रहो छः बजे साढ़े छः बजे वो लोग निकल जाएंगे तो आप लोग वो उनके बस में बैठ जाएंगे उनको बस में भेज दो उसके बाद आओ अपनी कार में आओ ये कार लेकर आओ ऐसे वो एक कार देकर वो गए थे वो तो ये लोग खड़े थे वो तालाब था ऐसे कुछ कुछ ही दूर में था वो तालाब ये लोग खड़े थे और माताओं के लीडर को भी मैनेजर ने बोल दिया कि ये दो लोग खड़े हैं आप लोग चिंता मत करना आप ये दो पुरुष हैं और आप लोगों को लेके आएंगे तो क्या हुआ है? ये दो लोगों को फोन आया उनके फ्रेंड्स के साथ से फोन आया फ्रेंड्स लोगों ने पूछा कि अरे आप लोग किधर हो पूछा उन्होंने हमने सुना कि तुम जी उनके साथ ही हो यात्रा में माताएं नहाने के लिए गई है तुम भी क्या है वो तालाब के पास जाकर क्या उधर खड़े हो अरे सब माया में पड़ गए तुम हा 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 ऐसे कुछ भक्त लोग उनके फ्रेंड्स थे वो मजाक उड़ाने लगे उनके तो ये दो लोगों को बहुत संकोच हुआ अरे क्या हमारे फ्रेंड्स इस तरह बोल रहे हैं ये दूसरों को कुछ बोल देंगे इस तरह सोचकर उन्होंने सोचा कि अरे भाग जाओ इधर से अगर हम इधर रहेंगे तो हमारे अपमान होगा तो वो लोग छोड़कर चले गए उधर से हा? कार लेकर भाग गए वो तो माताएं बाद में जब आ गई साढ़े छह पौने सात बज गया था अंधेर आ गया तब देखा कि दो पुरुष नहीं है उधर और वो एरिया जो था अच्छा एरिया नहीं था उधर बहुत रौड़ी लोग थे छोर लोग थे लोग जानते थे कि चोरी करते हैं कभी कभी गलत चीज हो सकता है उधर तो माताएं डर गई लेकिन उनके लीडर जो थी माता माताओं की लीडर वो एकदम स्ट्रांग आदमी थी वो एकदम अट्टा आट, कट्टा थे वो मोटी थी वो वो बोला सबको बोला आप लोग चिंता मत करो मैं सामने जाऊंगी आप सब लोग पीछे आओ कोई समस्या हो तो मैं संभा संभालूंगी आ जाओ तो वो सामने जा रहे थे सब पीछे तो रउडी लोग फी 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 पिछल कर रहे थे वो लोग हाँ कुछ कमेंट मार रहे थे तो ऐसे माता जी क्रोध क्रूर आंखों से देखती थी वो रवड़ी लोग भी डर गए तो ये सब माताओं को उन्होंने आगे भेजा अंत तक तो कड़ी रही सबको बस में बिठाने के बाद अंत में माता चढ़ गई बाद में आकर यात्रा लीडर को बोला तुमने तो कायर लोगों को भेजा आपने जो वो लोग छोड़कर चले गए अच्छा नहीं है तो अभी देखिए बाद में यात्रा के लीडर ने उन दो लोगों को बोला पुरुषों को बोला आपने, आपने क्यों किया इसे वो लोग बोले क्या करे बहुत जी सब वक्त लोग हमारे मजाक उड़ा रहे हैं कि माताओं के साथ हैं अरे मूर्ख आप लोग वानप्रस्थ लोग हो ये माता है आपकी बेटी के बराबर है हा? और आपको जिम्मेदारी दिया गया है इनको लाने के लिए आप लोगों का बाल बच्चा है बीबी है आप उनको बच्चों को बड़ा करके विवाह करके भी दे दिया आपने अभी क्या इस तरह का गलत धारणा को लेकर आप लोग जिम्मेदारी को छोड़ दिया अगर आपको नहीं करना था तो पहले से बोलना था ऐसे उन्होंने डांटा क्यों मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको कभी कभी माता जी माता माताजी के साथ डीलिंग में सही ढंग से डीलिंग नहीं होता है इसलिए अभी देखिए इधर देखिए प्रपा जी माताओं को भी दीक्षा दिया इस कान में आदर दिया उनको भी इधर आप देखते हैं प्रभु जी मत उदाहरण दिया मैंने आपको रेस्पेक्टिंग ऑनरिंग एंड मदरली ट्रीटमेंट प्रपच ने दिया आजकल भी प्रपाज के शिष्य माताएं बोलती है जैसे रुक्मणी माता जी जैसे मालती माता जी विशाखा माता जी वो सब बोलते हैं कि जी एग्जैक्टली हमारे पिताजी जैसे थे हु? जिस तरह हमारे साथ व्यवहार किया उन्होंने हु? तो ये ये एक एक भी माता जी नहीं इस कान में के प्रभापल जो बोलेंगे कि जी हमारे साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया साइड ऐसे नहीं बोलेंगे कोई भी नहीं है और प्रौपा जी तात्पर्य में स्ट्रांग लिखते हैं हु? जो भी शास्त्र बताते हैं फिर भी माताओं को बुरा नहीं लगा क्योंकि एक बार कुछ तीन चार माताएं गई प्रभाजी के पास हाँ आपके कुछ शिष्य लोग बोल रहे हैं कि माता जी सर लेस इंटेलिजेंट हम लोग कम बुद्धि वाले हैं ऐसे बोल रहे हैं हमको क्या करना चाहिए तो प्रपद ने वो सही है क्या प्रपद ने बोला यस जब आप सोचती हो कि तुम माता जी हो है? तुम स्त्री हो इस तरह सोचते हो तो वो लोग जो बोले वो सही है तो माता जी तुरंत समझ गए प्रपात हम स्त्री भी नहीं है हम पुरुष भी नहीं है हम जानवर भी नहीं है पेड़ भी नहीं है हम आत्मा है हम कृष्णादास बोला हाँ तो तुम परवाह क्यों करते हो उनको जो बोलना बोलने दो अगर आत्मा के स्तर पर देखा जाए तो पुरुष स्त्री सब लोग एक समान है शरीर के स्तर पर देखा जाए तो कुछ भेदभाव है बोले तो वो लोग समझ गए तो प्रभुपाद ने बहुत सही ढंग से उनके आदर उदाहरण आदर्श उदाहरण के द्वारा सिखाया कैसे डीलिंग करना चाहिए इधर देखिए इधर पिक्चर में दिखाया गया है अनादर नहीं करना चाहिए स्त्रियों को इस तरह कभी कभी स्त्रियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए हमारे पूना मंदिर में आ, हमारा हैबिट ऐसा है कि अगर चरणामृत चल रहा है कोई माता आती है तो माताओं को बच्चों को बूढ़ों को पहले छोड़ देते हैं आप पहले ले लो आप चरणामृत ले लो और उसके बाद बाकी लोग हम लोग आते हैं क्योंकि शास्त्र वही बताते हैं विमेन चिल्ड्रन ओल्ड पीपल उनका आदर देना चाहिए तो एक बार मालती माता जाती है हमारे पूना मंदिर में तो उन्होंने देखा कि गुरु पूजा के टाइम हमने एक बैरिकेड लगाया था एक साइड माताजियों के लिए और एक साइड प्रभाजी के लिए माताजी वेरी गुड राधे राधेश्याम यूर वेरी इंटेलिजेंट तो माताओं के लिए आपने स्थान दिया है वो भी सामने आकर जी के दर्शन देने के लिए है ऐसा नहीं कि उनको पीछे डाल दिया सब पुरुष सामने हैं ऐसे बोला उन्होंने तो माताओं को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए वो बताया गया है नॉट अटैचमेंट अगर आ, आ, सेवा दिया गया हमको उसको सही ढंग से करना चाहिए इसके साथ साथ और एक पॉइंट है माता जी लोग भी सेवाएं देती है उनके लिए अलग अलग सेवाएं हैं। जैसे वो कुकिंग करती है हार बनाती है कीर्तन करती है वो भी आत्मा है तो उनको सही ढंग से आदर देना चाहिए पॉइंट बताया गया है दे आर ऑल्सो ह्यूमन केयर ऑफ फैमिलीज प्लेटफॉर्म पंडिता समर्शि के स्तर पर देखो स्त्रियों बच्चे गाय बूढ़े लोग और ब्राह्मण इनकी सुरक्षा होनी चाहिए ड्यूटी ऑफ ऑल लीडर्स टू तो टेक केयर अगर आपके समूह में भक्त समूह में इन पांच लोगों की सुरक्षा अच्छा हो रहा है तो आपका कम्युनिटी एकदम बढ़ेगा संख्या बढ़ जाएगा इफ यू आर प्लेइंग वेरी वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस फाइव कैटेगरी अगर छोटे बच्चे हैं उनको संडे फीस के दिन में इधर उधर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए बड़ा डेंजर है आजकल किडनैप कर देते हैं कोई किडनैप है? ही कर देते हैं नहीं तो किडनी को भी चोरी करते हैं आजकल लोग हाँ तो किसी छोटे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए इस तरह स्त्रियों का अनादर नहीं होना चाहिए वृद्ध लोगों के लिए पहले छोड़ना चाहिए उनको इत्यादि अभी कुछ समय के लिए हम भक्तों के कमेंट्स को सुनेंगे हम हाँ और कोई हाँ और एक पॉइंट है इसका भी बोल देते हैं हम इसको भीट हा देखिए डीलिंग रेस्पेक्टफुली इन पब्लिक फोरम्स पब्लिक फोरम में हमें कैसे डीलिंग करना चाहिए हां? वो महत्वपूर्ण पॉइंट है उदाहरण के लिए कॉर्लिंग एंड मेकिंग अ पब्लिक ये बहुत इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट इसको ये नहीं करना चाहिए मतलब क्या है देखिए हमारे इस्कॉन में कुछ विधि है स्ट्रिक्ट विधि है एस, आ, कुछ लोग कुछ पॉलिसी फॉलो नहीं किया जा रहा है उसको प्राइवेटली बोलना चाहिए बाद में पब्लिक में बोलने के बदले ऐसे उदाहरण के लिए कुछ कुछ आ, मंदिर में कुछ विधि होता है उदाहरण के लिए अगर माताएं हैं एक साइड में माताओं के लिए चरना है दूसरे साइड में जी के लिए चरना है कभी कभी एक बार हमने देखा कि कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां आई थी दोनों प्रभु जी के साइड में आ गए आकर तो माता मा, माताएं मांग रही थी चरण था अपने उंगली ऐसे हाथ को दिखाया तो प्रभु जी जो थे माताओं के लिए इधर नहीं उधर चला जाओ माता ऐसे बोला उन्होंने तो माता डर गई वो नई नई मंदिर में आई है वो हा। उनको स्टैंडर्ड मालूम नहीं कि पुरुषों के लिए अलग है स्त्रियों के लिए अलग है कॉलेज में सब लोग मिलजुल बैठते हैं आजकल ऐसे इसलिए हम लोग पब्लिक में जो हम बर्ताव करते हैं वो बहुत सावधानी से बर्ताव करनी चाहिए क्योंकि हव यू से वट यू से अगर कूपन लेना हो लोगों से यह कह करके आते हैं कूपन देते हैं कूपन नहीं तो बहुत माइल्डली पूछना चाहिए आपको कूपन मिला नहीं क्या बोलेंगे नहीं बोला ठीक है देखिए उधर जाइए उधर एक टेबल है एक, ब, एक आपको उधर मिल जाएगा ठीक है ना ऐसे बोलना चाहिए अगर हम पूछते हैं कूपन है क्या वो कूपन लेके आओ ऐसा अगर हम बोलेंगे तो वो लोग सोचते हैं कि नाराज हम नाराज किया हमने इसलिए आदर का मतलब है हम हाउ यू से वॉट हाउ यू से वॉट यू से बड़ा फर्क पड़ता है उसका One, with equal or अगर आपके में कोई सीनियर आ रहा है तो आएंगे जूनियर तो नहीं जाएंगे लेकिन शास्त्र के अनुसार देखा जाए अगर जूनियर भी देता हो हमें सुनना चाहिए क्यों देखिए अगर आप प्रवचन देते हैं आपकी अपेक्षा है कि नहीं कि दूसरे लोग भी अटेंड करे हा? जितना लोग आएंगे आपको भी आनंद आएगा कि हमने कुछ बोला लोग सुने आपको प्रोत्साहन की जरूरत है इसी तरह से नए भक्तों को भी प्रोत्साहन की जरूरत है एक जूनियर भक्त भी आजकल क्या करते हैं अनेक महाराज जी लोगों से सुनकर पॉइंट्स बनाकर लेके आते हैं परम पूजय राधा गोविंद महाराज परम पुजय लोकनाथ महाराज परम पूज्य गोपक्ष महाराज परमपजय हालांकि तो, अनेक लेक्चरों को सुनकर अच्छे नोट नोट्स उनको मालूम है कि मैं बहुत जूनियर हूँ कोई सुनने के लिए नहीं आएगा अच्छा बताना पड़ेगा मुझे इसलिए आप जाएंगे आपको अनेक पॉइंट्स में मिलेंगे जूनियर के लेक्चर में भी आजकल और दूसरा चीज है वो तो के प्रीपोर्ट को ही दोहरा रहा है शो ही श्लोक पढ़ रहा है भागवत से हम हर दिन भागवत में बैठ कर सुनना चाहिए वो तो आधा घंटा हो पौने घंटा हो जो भी हो उनको एनकरेज वो भी आदर का एक लक्षण है मुझे एनकरेज ऐसे बताया और एक बताया है आदर का मतलब है, आ, we should not be unwilling to change, है? हमें अगर बोला जाता है कुछ फीडबैक दिया जाता है तो उस फीडबैक को लागू करना चाहिए हमको देखिए कभी कभी देखा जाता है एक बार हमारे मंदिर में कोई फीडबैक देते थे कुछ मैनेजर लोग उन दिनों में बहुत समय के पहले वो लोग नाराज होते थे ये क्या फीडबैक देता है अगर ये करके देखेगा तब पता चलेगा इसको इतना मुश्किल है ऐसे से बोल मैं बोलता देखो फीडबैक दे रहा है अगर आप उसको नहीं दोगे तो बाद में फीडबैक नहीं देगा वो इसलिए मैंने क्या किया सिस्टम हमारे आश्रम में कोई भी ईमेल भेज सकता है फीडबैक उसके अनॉनिमस अनॉनिमस मतलब नाम के बिना है? वो खुद नया ही ईमेल बनाकर वो भेज सकता है हमको तो इतने फीडबैक्स अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं हुँ? कोई बोलता है बाबू जी चपाती में दो दिन घी नहीं लगाया तेल नहीं लगाया ऐसे ही सुखाता है ऐसे कोई भेज देता है तो तुरंत तो तो मैं किचन को बोल दूंगा ऐसे है। कोई बोलेगा गोविंदास में जो ब्रेड बेचते हैं उस दिन देखा हमने वो थोड़ा पुराना हो गया है वो फ्रेश चाहिए लोगों को पुराना नहीं बेचना नहीं चाहिए कोई बोलेगा तुरंत तो तो मैं गोविंद को भेज दूंगा हम्म कोई बोलेगा वॉचमैन के साथ इस तरह डीलिंग हो कार अंदर नहीं छोड़ रहा था तो फीडबैक अनेक आता है इस तरह तो हम फीडबैक को स्वागत करना चाहिए है। आप अगर ऐसे मैनेजर इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्कंटेंट बोलते हैं इसको कंस्ट्रक्टिव डिस्कंटेंट मतलब कोई अपने मत को प्रकट कर रहा है कि इसको सुधार आपके मंदिर में खुशी से उसको स्वागत करना चाहिए जितना आप स्वागत करोगे उतना आपको आइडियाज मिलते जाएगा आपको हम्म ऐसा नहीं कि हम कभी कभी एक फीडबैक बॉक्स डाला है वही खोलता ही नहीं उसको हमेशा रहता है वो ऐसा <laughs> नहीं होना चाहिए है? तो फीडबैक जो दिया जाता है उसको चाहिए और एक पॉइंट बताया गया अटेंटिव शेयरिंग फ्रॉम गुरु सब मैंने जैस अटेंटिव अच्छी तरह हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो अपने जीवन में उसको लागू करेंगे आई नो बेटर ये भावना छोड़ देना चाहिए फाइंडिंग फॉल्स लर्निंग फ्रॉम एवरी वन इेस्पेक्टिव स्टेटसन दर्सन से बैठ कर दे रहा है कोई सुनना चाहिए हाँ ये महत्वपूर्ण तो के सामने ये मत करो क्रिटिसाइज मत करो कुछ 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 मंदिरों में भागवत देता है कोई पूछता कुछ कमेंट है क्या तो कुछ लोग उधर पब्लिकली कमेंट करते हैं उनके विरुद्ध वो अच्छा नहीं है वो प्राइवेटली बाद में बोल सकते हैं हम आपके दो बाकी एडिशनल प्रवचन आप सुनेंगे इस टॉपिक के ऊपर उसमें आपका ड्रामा भी मिलेगा आप देखेंगे ठीक है थैंक यू अभी कुछ बो, कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं आप लोग ठीक है शेयर बात की जाएगी दे एनीवन टू आस्क क्वेश्चन और यू वांट टू से समथिंग यू कैन से नो प्रॉब्लम श्री है तो पूछ सकते हैं आप हाथ रेज कर सकते हो अपना अभी जो आज के इसको एस आर सी जी डी बोलते हैं इसको एस आर सी जी डी सर्विस रेस्पेक्ट फॉर डिपेंडिंग ऑन गुरु एंड कृष्णा पांच चीज है तो आज दो पूरा किया हमने सर्विस एंड रेस्पेक्ट ये दो पूरा किया है एक्चुअली कपिल भगवान कपिल बताते हैं कि जो भगवान के श्री विग्रह को आदर देता है लेकिन भक्तों को आदर नहीं देता है वो भस्म के ऊपर आहुति डालने के बराबर है ऐसे बताते हैं वो कपिल देव थ्री पॉइंटी तैतीस ट्वेंटी नाइन चैप्टर में बताते हैं भस्म की ऊपर आहुति देने से कुछ मतलब नहीं है ऐसा ही ये बोलते हैं क्योंकि अगर तुम भगवान को आदर देते हो भक्तों को नहीं आदर देते हो ऐसा बताते हैं तो ये तो वैष्णव शिष्टाचार हो गया लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में भी हमको मालूम होना चाहिए जैसे अगर क्राउड कंट्रोल बोला है किसी को हाथ में एक लाठी लेकर ऐसे से वो दिखाता है तो आप लोग थोड़ा हट जाओ हट जाओ हट जाओ ऐसे दिखाता है आप लोग हट जाओ पीछे लेकिन ऐसे किसी को बोलेंगे क्राउड कंट्रोल करो वो लाठी लेकर भक्तों को मारता है पाट 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 चलो चलो ऐसे वो अच्छा नहीं है लेकिन क्राउड कंट्रोल के समय ऐसे लाठी को दिखा सकते हैं आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ ऐसे दिखा सकते हैं तो इस तरह हमें जानना चाहिए कि कितना हद तक हम मैनेजमेंट कर सकते हैं जिसमें भक्तों का आदर के साथ हम मैनेजमेंट करें यही खास पॉइंट था आज हमारा चर्चा बोलिए एक हाथ ऊपर है एक आ, इनका ये या या प्लीज बोल हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा। आज का प्रवचन ही लाभदायक रहा तो बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे लगे जैसे कि ब्रह्मा जी जब अ, संतान की उत्पत्ति करनी थी तो कुमारों के लिए उन्होंने आदेश दिया और वो माने नहीं तो क्रोधित हुए तो बता रहे थे कि आप जब नॉन कोऑपरेटिव सबॉर्डिनेट्स रहते हैं तो भी हमें अपने आ, आ, क्रोध को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और जब सर्विस बहुत सारे हो जाते हैं तभी हमें आ, आ, अच्छी तरह से चेता चे, हमारी चेतना को रखना चाहिए तो जी मेरा प्रश्न यह था कि कभी कभी हम जब जो मैनेजर रहता है वो आ, कभी कभी कम उम्र का रहता है और जिनको हमें सेवा देनी है वो आ, मतलब उम्र उनका ज्यादा रहता है तो आ, तो इस समय में हम कैसा आ, उनके साथ बर्ताव करें क्योंकि कभी कभी कुछ मिस्टेक होती है तो आ, हमें करेक्ट भी करना रहता है तो वो कैसे करें क्योंकि रेस्पेक्ट के बारे में हम आज हाँ, हाँ सुना तो रेस्पेक्ट करना चाहिए तो कभी कभी जब आ, कोई ठीक से सेवा नहीं करते हैं तो उनको करेक्ट भी करना रहता है तो जब जूनियर कोई रहता है मैनेजर तो किस तरह से उनको बर्ताव करना चाहिए सीनियर्स के या करेक्ट मैं दिखाता एक मिनट है देखिए इधर आप देख रहे हैं इधर आपको दिखाई दे रहा है हाउ टू करेक्ट विदाउट हर्टिंग दिलिंग हाँ इसमें दिखा देखिए इधर पहले बताया स्टे पॉजिटिव यू मेड अ गुड एफर्ट हियर इफ यू ट्राई दिस इट इल वर्क बेटर बोलते हैं कि ये करेक्शन जो है उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी चाहिए सर्वप्रथम उसका मतलब हमको सोचना चाहिए कि अच्छे वक्त हैं ये थोड़ा समझाने के बाद ये समझ जाएगा तुरंत ऐसे सोचना चाहिए पॉजिटिव रहो दूसरा है नो वेन टू डिलीवर करेक्शन चैस्टाइज प्राइवेटली नॉट पब्लिकली ऐसे बताया गया इसका मतलब है सबके सामने हम उनको करेक्शन ना करें प्राइवेटली अगर कुछ करेक्शन करना हो कभी कभी होता है एक बार मैंने देखा वक्त लोग पानी दे रहे थे इसको तुलसी महारानी को तो ये वक्त आया वो घुस गया बीच में ऐसे अपने हाथ डाल दिया बीच में ऐसे डाल और ऐसे धक्का दे रहा है बाकी लोगों को और पानी दे रहा है ऐसे तो मैं कुछ नहीं बोला उसको बाद में प्रोग्राम पानी के बाद बाद में प्राइवेटली बुलाया उसको बोला कि देखिए प्रभु जी तुलसी तो आरती में सब लोग जो लाइन में जाते हैं तो उस समय आपको भी लाइन में जाकर देना चाहिए बीच में हाथ नहीं डालना चाहिए बोले सॉरी सॉरी प्रभु जी बोला सारी, सारी तो सुन सुन लिया प्राइवेटली हम बोल सकते हैं वो समझ लेगा वो हा? तो लेकिन थोड़ा पब्लिकली बोलने से उसको ईगो प्रॉब्लम हो जाता है अरे सब लोग देख रहे हैं मेरा करेक्शन हो रहा है मेरा नाक कट रहा है सब लोग देख रहे हैं ऐसे उसको लगता है और दूसरा है और एक तीसरा पॉइंट है नो यूर स्टूडेंट्स सेंसिटिव वंस बताते हैं कुछ लोगों का बहुत ईगो होता है प्रॉब्लम उनको एकदम सेंसिटिव मतलब बहुत टच मी नाट जानते हैं आप टच मी नाट एक एक पौधा है उसको छूते ही ऐसे हो जाएगा वो सिकुड़ जाएगा वो ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं तो छोटे छोटे चीज के लोग बोलेंगे वो रोना चालू या तो रोएंगे नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे वो ऐसे कुछ लोग हैं ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से उनको करेक्शन बोलते ही नहीं पब्लिक में भी प्राइवेट में भी उनको जब बुलाते हैं ना उनको ऐसे समझाना पड़ेगा प्रेम से नहीं तो बोले प्रभु जी आप तो हम हमारे में ही आप दोष देखते हैं बाकी लोगों में दोष देखते नहीं ऐसे बोलते हैं कभी कभी है? इसलिए हमको उनसे सावधानी से देना पड़ेगा सेंसिटिव वंस और इसलिए मैंने बताया आपको बहुत सावधान और, और एक पॉइंट है डोंट यूज करेक्शन एज ए पनिशमेंट वो करेक्शन जो है वो पनिशमेंट नहीं है वो डिसिप्लिन है बताते हैं क्योंकि एक बार करेक्शन किया आपने उसको अगले बार वो सही ढंग से करने के लिए उसको सिखाना है वही पॉइंट है है न इसलिए डोन्ट चाइज स्टूडेंट फॉर डूइंग समथिंग इन करेक्ट इन मेक अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट सेव पनिशमेंट फॉर डिसरप्टिव स्टूडेंट्स नॉट फॉर मियरली फॉर करेक्शन बता दें इसका मतलब क्या है देखिए तीन चीजें इसमें एक व्यक्ति सही कर रहा है दूसरा व्यक्ति है वो सही नहीं कर रहा है उसको मालूम नहीं है अगर आप सिखाएं तो सीख लेगा वो ना? सही चीज़ करेगा वो दूसरा है दूसराप्टिव स्टूडेंट का मतलब है कुछ लोग जान बुझ कर भी गलतियां करते हैं कुछ लोग बार बार सत्य नहीं तो करेक्शन उन लोगों को देना पड़ता है ये बीच वाले लोगों को सिर्फ सजेशन देना होता है उनको क्योंकि उनको मालूम नहीं है बोलेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे वो प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड रीजनिंग ये सबसे महत्वपूर्ण है अगर आप किसी को बोलते हैं ये करो ये मत करो उनको कारण देना चाहिए मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ पहले उनको पहले बोलो कि इस तरह करने के बदले हम इस तरह कर सकते हैं इसका कारण वन टू थ्री ये कारण है और आपने जो ऐसे किया उसमें क्या क्या नुकसान है उसको लॉजिकली प्राइवेटली एक्सप्लेन कीजिए उसके बाद बोलिए कि आप तो बहुत अच्छे वक्त हैं आप तो पकड़ लेंगे चीजों को फिर मैंने ऐसे बोला आप माफ कर दीजिए मेरे मेरी वो से कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए ऐसे हम बोलना चाहिए ऐसे करेक्ट द वर्क नॉट द चाइल्ड उनको बोलना चाहिए कि आप बढ़िया वक्त हो लेकिन जो काम हुआ है उसमें थोड़ा छोटा गलती है वो तो सुधारना कठिन बात नहीं आपके लिए सो यू आर नॉट करेक्टिंग द पर्सन यू आर करेक्टिंग द वर्क हाँ इस तरह उनको लगना चाहिए दिस पॉइंट बताया गया और आपने प्रश्न पूछा कि अगर आपसे वरिष्ठ कोई वानाप्रस्थ भक्त हो और आप तरुण हो उनको करेक्शन देना होता है आप इस इस तरह कीजिए इस तरह मत कीजिए क्योंकि वो लोग अनजाने से कभी कुछ गलतियां करते हैं हम्म तो हुँ। उनको जैसे एक बाना प्रस्त भक्त थे वो टेबल में बैठे थे उनको वो किताब वितरण करना चाहा तो एक लड़की आई उधर उसको बुलाया बोला कि अरे मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा मैं तुमको उससे कनेक्ट कर दूंगा तुमको विवाह करना है क्या ऐसे पूछा उन्होंने वो लड़की डर गई वो जाकर माता पिता को शिकायत कर दिया कि जो आना प्रसिद्ध बेटा है वो बोल रहा है कि मुझे किसी लड़के से जोड़ देगा ऐसे बोल रहा है तो माता पिता जा गए वो झगड़ा करने के लिए हाई तुमने हमारी बेटी को ऐसे कैसे बोला है हम हैं माता पिता ये हमारा जिम्मेदारी है आप क्यों इसको ऐसे बोल रहे हैं वो बोल नहीं 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 मैं तो मेरा हृदय अच्छा हृदय से मैंने बोला कि ये लड़की रेगुलर आती है भक्ति में जुड़ी है मैंने सोचा कि इसको अच्छा एक लड़का मिलेगा तो ये दोनों भक्ति साथ में कर सकते हैं मुझे एक लड़का मालूम है माता तो बोला अगर मालूम है तो हमको बोलो ये तो हमारे बेटी है हम देखेंगे ये तरुण लड़के इसको ऐसे बोलेंगे तो डर गई हो ऐसे बोले हो सॉरी सॉरी बोला उसने तो बाद में उसने पूछा प्रभु जी मैंने क्या गलती किया प्रभु जी उनकी भलाई के लिए ही बोला तो मैंने बोला देखे प्रभु जी एक मंद हमारे मंदिर में मैरिज ब्यूरो है वो मैरिज ब्यूरो में वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं आपको लेने की जरूरत नहीं अगर आप

हां बोलिए दासंद गौरव प्रभु हरे कृष्णा प्रभु आपका अनम्यूट कीजिए दासंद गौरव प्रभु हरे कृष्णा ओके अमल कीर्तन प्रभु पूछेंगे हां हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी थैंक यू सो मच आपने इतना सुंदर पॉइंट्स बताया बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड वेरी इंस्ट्रक्टिव तो मुझे एक सवाल क्या था कि जब हम थोड़ा सा प्रचार करते हैं जब मैनेजमेंट करते हैं उसमें कभी कभी अः भागवत श्रवण प्रो ने जो क्वेश्चन पूछा उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि कभी कभी उसमें सीनियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं अपने से एज uh, में ज्यादा लोग बट uh, जब भी उनको सेवा देते हैं तो ऐसे उनको लगता है कि हमको फोर्स कर रहे हैं सेवा के लिए तो मतलब uh, ऐसा क्यों लगता है और ऐसा कैसे लगना नहीं चाहिए इसके लिए क्या करना है कभी कभी हम लोगों को भी मालूम नहीं हमारे तरीका हम हमारे बोलने का तरीका कुछ लोगों को बहुत सेंसिटिव नाजुक होते हैं कुछ लोग hmm. उनको इसलिए रेस्पेक्ट वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट मीन्स यू यू गिव देम द फ्रीडम फ्री ब्रीदिंग स्पेस जैसे अगर आप इनोवा कार में पीछे बैठे हो सामने वाला व्यक्ति सीट, पीछ, सीट को पीछे करता है और आईसीस हो जाता है तो आपको आप श्वास नहीं ले पाओगे आप आप बोलोगे अरे अरे उस सीट को सीधा करो थोड़ा सामने चला जाओ हमको भी थोड़ा श्वास लेना है तो इस तरह आपके ब्रीथिंग स्पेस को फिजिकली कोई ब्लॉक कर सकता है इसी तरह उनके इमोशनल स्पेस को अगर कोई ब्लॉक कर रहा हो तो लोग उसको अच्छा नहीं लगता हो उनको तो एक बार एक माता जी प्रभु जी आए थे हस्बैंड वाइफ माता ने बोला कि प्रभु जी हमारा बेटा ऐसा है माला कर रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है तो मैंने बोला क्या करें माता जी आजकल के बच्चे कभी भक्ति के नाम में पढ़ाई नहीं करते ठीक तरह से बोलते हैं कि भक्ति में रुचि आ गया उसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा मैंने बोला माता जी को अच्छा नहीं लगा वो माता जी बोले ऐसा नहीं प्रभु जी हमारा बेटा इतना बेकार नहीं है हु? बहुत अच्छा लग मान भी अच्छा लाता है फिर भी मैंने सोचा कि आपको आपके कान में डाल दिया जाए तो आप भी कुछ दो शब्द बोलेंगे लेकिन बेटा अच्छा ऐसा कुछ खराब नहीं है ऐसे बोली मतलब तो उन, इस तरह आप देखेंगे कि वो लोग बहुत नाजुक होते हैं कुछ लोग देर वेरी सेंसिटिव इसलिए हम लोग उनको कुछ बोलना हो तो हम लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली आवर थ्रू समी देन आवर डीलिंग विद मोर फ्रीडम उनको और uh, फ्रीडम दे, दे देंगे सजेशन देंगे सुझाव देंगे लेकिन हम उनके पीछे नहीं पड़ेंगे किसी ने बता दिया कि प्रभु जी हमारे पीछे पड़ते हैं सेवा के लिए ठीक है आप जितना कर सकते हो इतना ही कर सकते हो स्कोरिल के अमाउंट अनुंटान के यू हरे कृष्णा और और एक हाथ है ऊपर सागर करुणा प्रभु धन्यवाद प्रभु हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी यहाँ पर एक जगह पे हमने कोऑर्डिनेटर शब्द तो कहाँ है इसका थोड़ा बता दीजिए ना कोऑर्डिनेटर हाँ कोऑर्डिनेटर का मतलब है देखिए एक कार्यक्रम किसी के घर में करना हो उसके लिए तीन लोग की जरूरत है एक वक्ता एक होस्ट होस्ट जो है आ, उनको यजमान बोलते हैं वो कुकिंग करेंगे प्रसाद और कोऑर्डिनेटर जो है वो फोन करके सबको बुलाएगा प्रोग्राम में उसको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इसी तरह अगर आप एक छोटे यात्रा में जा रहे हैं तीस चालीस लोग में लेके जा रहे हैं उसको यात्रा कोऑर्डिनेटर बोलते हैं उसको तो so यात्रा कोऑर्डिनेटर भी है और अगर कोई आपके ग्रुप वालों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएगा ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेटर अगर कोई फंड रेजिंग में लगाएगा ये फंड रेजिंग कोऑर्डिनेटर अगर कोई आपके सब ग्रुप वालों को लेकर मंदिर में सेवा में जोड़ेगा वो सेवा कोऑर्डिनेटर इस तरह का मतलब है जो आ, वो सेवा को लेकर सब भक्तों को बुलाकर एक मीटिंग लेकर कौन कौन क्या कर सकता है क्या क्षमता है उसके आंसर वो जोड़ेगा वो कोऑर्डिनेशन करता है वो क्लियर है कृष्णा कृष्णा अभी एक ही हाथ बचा है दया सिंधु गौरंग प्रभु उनका अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं वो लगता है ठीक है यस तो नो प्रॉब्लम हम लोग आज सर्विस और रेस्पेक्ट देखा अगले बार आते समय कैर ग्लैड अपॉन सींग एडवांसमेंट डिपेंडेंसी तीन और तीन विषय है स्केल ऑफ ह्यूमिलिटी में तो उसको पूरा करेंगे ये इसके साथ जो तो जुड़ा हुआ दो तीन लेक्चर का लिंक देंगे मैं हमारे तो आपको देंगे वो लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से अनेक और भी विषय आप सीखेंगे सेवा के बारे में रेस्पेक्ट के बारे में मेरा एक प्रश्न था आप लोग सुन पा रहे हैं क्या टाइम मिलता है आपको वो लेक्चर्स को सुनने के लिए एडिशनल लेक्चर्स कितने लोग सुनते हैं हाथ ऊपर कीजिए देखेंगे कितने लोग सुन पाते हैं मैं जो भी एडिशनल लेक्चर लिंक्स आपको देता हूँ अच्छा अनेक अनेक लोग हाथ ऊपर हो रहा है राइट राइट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छी है ये एक साल में अगर आप लोग वीकली वंस ये प्रोग्राम में आएंगे और एडिशनल लेक्चर आप सुन लेंगे बहुत आपको लाभ होगा क्योंकि एडिशनल लेक्चर्स में और भी मैंने कथाएं उदाहरण कर देता हूँ उसमें हां थैंक यू थैंक यू श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंदा की जय अलेक्सना